भारी डिमांड पर आपके अपने प्रशांत सर लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं परीक्षा में आने वाले सेलेक्टेड वन व्हाट्सएप ट्यूशन को। तो सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये पीएस क्लासेस चैलेंज करता है कि अगर आपने इस पूरे मास्टर वीडियो को देखा होगा, देख लेंगे तो फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा जहां पर व्हाट्सएप ट्यूशन की बात होगी वहां पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा प्यारे साथियों। तो चलिए देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और आपकी स्क्रीन पर बात करने की कोशिश करते हैं प्यारे साथियों। देर न करते हुए महामैराथन भाग दो में आप सभी का स्वागत है। अ सॉन्ग एम्ब्रॉयडरिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन, क्या कहेंगे आपसे पूछा जा रहा है। अ सॉन्ग एम्ब्रॉयडरिंग रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशन क्या कहा जाएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसे हम बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं हाइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइमन। A song embodying religious and sacred emotion is known as hymen, कहा जाता है। Next one, government by a single person को क्या कहा जाता है? Government by a single person को क्या कहा जाता है? तो right option आपका हो जाएगा monarchy will be the correct answer। क्या हो जाएगा? Monarchy। Next question, The custom of having more than one husband at the same time. The custom of having more than one husband at the same time. What can you say? आपका सही जवाब हो जाएगा polyandry बोलते हैं। क्या कहा जाता है? Polyandry will be the correct answer. Next one. बताइए। A tank where fish or water plants are kept. A tank where fish or water plant are kept. क्या कहा जा सकता है? तो आपका जवाब होगा कि सरिश्ते हम बोलते हैं। फोर का पहला सही होता है एक्वेरियम। एक्वेरियम जो होता है टैंक वेयर फिश आर वाटर प्लांट्स आर कैप। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झूम करके सेशन को शेयर करते रहिए। फाइंडिंग अ वे ऑफ अवॉइडिंग ए डिफिकल्टी आर ए रूल को क्या कहा जाएगा, तो आप इसका सही जवाब दे दीजिएगा। राइट ऑप्शन सर्कमवेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कमवेंशन कहा जाता है। फाइंडिंग अ वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफिकल्टी आर अ रूल क्या बोलते हैं? सर्कमवेंशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ लार्ज इंप्रेशन बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? सब पोनी फैकेट एडिफिस स्पैड्रिल क्या कहा जाएगा? तुरंत आप अपना जवाब दीजिएगा कि सर राइट ऑप्शन जो हमारा होगा एडिफिक होगा। क्या होगा? एडिफिक विल बी द करेक्ट आंसर। अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? एडिफिक बोलते हैं। थोड़ा तेज़ी के साथ यहाँ पर मास्टर क्लास की वीडियो चलेगी, आप सभी को देख लिखना एग्जाम में जाने से पहले। वन हु इज गिवेन टू प्लीजर्स ऑफ द फ्लेस, वन हु इज गिवेन टू प्लीजर ऑफ द फ्लेस को क्या कहा जा सकता है, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा। राइट ऑप्शन एपिक्यूरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिक्यूरियन। पुनः सुन लीजिए, वन माने ऐसा कोई, हु माने जो, इज गिवेन टू प्लीजर जिसको प्लीजर देता है, ऑफ फ्लैश माने आप समझते हैं मांस, उसे एपिक्यूरियन कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, सम वन आर समथिंग लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर को हम क्या कह सकते हैं? सम वन आर समथिंग लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर को क्या कहा जा सकता है, तो इससे बोलते हैं कंटेम्प्रोरी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या कहेंगे? कंटेम्प्रोरी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को लेकर कि आपके अपने प्रश्न सर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पर्सन हु टेक केयर ऑफ एवरी मिनट रूल आर लॉ व्हाइल लर्निंग आर टीचिंग आपसे पूछा जा रहा है। द पर्सन हु टेक केयर ऑफ एवरी मिनट रूल आर लॉ वाइल लर्निंग आर टीचिंग, तो आप इसका जवाब सीधे तौर पर दीजिएगा क्विक कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
तो नाइन का आपका हो जाएगा पीडेंट, पीडेंट विल बी द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा, पीडेंट जो होता है द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ एवरी मिनट रूल आर रॉ वाइल लर्निंग टू टीचिंग. चलिए क्विक नहीं कहेंगे, रॉन्ग हो गया. क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका डे विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, झूम करके सेशन को शेयर करें. द मैन हु इज एंगेज टू बी मैरिड फाइंस होगा, रिक्लोज होगा, फाइंस होगा या ब्राइड ग्रूम होगा. तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा, द मैन हु इज एंगेज टू बी मैरिड इज नोन एज फाइंस विल बी द करेक्ट आंसर. क्या राइट आंसर होगा, फाइंस विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए तेजी के साथ आपको महामैराथन का सफर तय करना है. अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी सेनेटोरियम असाइलम नर्सरी रिजॉर्ट. क्या कहा जा सकता है, तो आप इसका राइट ऑप्शन दे दीजिएगा. अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी को हम बोलते हैं असाइलम. क्या कहा जाता है, असाइलम विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, द पर्सन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंकर लेंडर यूजरर इंसॉल्वेंट. क्या कहा जा सकता है, तो सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिएगा, यूजरर कहा जाता है. क्या कहा जाता है, यूजरर विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, आपसे पूछा गया है द पर्सन हु लेंड्स मनी एट द वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसा व्यक्ति जो हाई रेट इंटरेस्ट पर क्या लेता है, धन को लेता है, उसे यूजरर कहा जाता है. ओके चलिए प्यारे साथियों, सेशन को शेयर करते रहिए और फटाफट पूरे सेशन को अटेंड करते रहिए. पीएस क्लासेस ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी जहां पर इंग्लिश की डिमांड है, ये हूबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे. द पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लीजर, इसको तो बार बार पूछा जा रहा है. द पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लीजर फिलिस्तीन होगा या अपक्यू होगा, स्ट्राइक होगा, इनफेलिबल होगा. क्या कहा जा सकता है, 13 का जवाब आपका हो जाएगा स्ट्राइक विल बी द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट वन, द पर्सन हु स्टडी एंड कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स को क्या कहेंगे, द पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्ट्स पोस्टेज को क्या कहेंगे, तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा. क्या कहेंगे, 14 का जवाब दीजिए. इसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, फीले लेट लिस्ट कहा जाता है. द पर्सन हु स्टडीज मतलब ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करता है एंड कलेक्ट्स पोस्टेज और पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसे फिलेट लिस्ट कहा जाता है. राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही होता है. चलिए फटाफट जवाब देते रहिए. ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल ड्रॉट ड्रॉफ ड्राउट या डिजर्ट. ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल के लिए एक वन और सब्स्टिट्यूशन आपका क्या होगा, जनाब ड्रॉट विल बी द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा, डी आर ए यू जी एस टी ड्रॉट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स, रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट को हम क्या कहेंगे. चलिए नेक्स्ट वन, आपने क्या जवाब दिया, 15 का आपका, एक मिनट, 15 का क्या जवाब दिया डियर, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल, ड्राई वेदर विथ नो रेनफॉल. 15 का थोड़ा सा जवाब हमें देखना है. यहाँ पर सी अगर ऑप्शन हमने बताया होगा तो बिल्कुल सही होगा, इसको ध्यान दीजिएगा. और 16 को हम लेने की कोशिश करते हैं, रूल बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी. क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग पूछी जाती है, ब्यूरोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए. सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली बीट जेरेंटोक्रेसी डायनेस्टी या थियोक्रेसी.
राइट ऑप्शन हमारा 17th हो जाएगा, डायनेस्टी विल बी द करेक्ट आंसर। डायनेस्टी क्या होगा? दीक्षा मोस्ट वेलकम है आपका, मोस्ट मोस्ट वेलकम। सभी प्यारे भाई बहन जवाब देते रहें। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, ठीक है ना, टोटलिटेरियनिज्म होगा या गैरस होगा, ओलिगार्ची होगा, रेड टैपिज्म होगा। मतलब आपसे कहा ये जा रहा है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, जिसमें केवल एक पार्टी को फंक्शन करने के लिए अनुमति मिलती है। तो डियर फ्रेंड वो होता है हमारा, डियर फ्रेंड वो हमारा होता है, ध्यान दीजिएगा, 18 का हो जाएगा टोटलिटेरियनिज्म होता है, ठीक ना। 18 का जो राइट ऑप्शन होगा, बहुत बहुत स्वागत है धनंजय सर, हमारे परम मित्र धनंजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएस क्लासेस इनका बहुत बहुत स्वागत करता है। चलिए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टीज इज अलाउड टू फंक्शन, 18 का जवाब क्या हो जाएगा? टोटलिटेरियनिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ये मैराथन क्लास है इसलिए आराम से आप चलते रहें, तो 4 घंटे की क्लास होगी। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस, एन एबनॉर्मल ऑफ हाई प्लेसेस को क्या कहा जा सकता है? हाइड्रोफोबिया कहेंगे, क्लाउस्ट्रोफोबिया कहेंगे, एरोफोबिया कहेंगे या एक्रोफोबिया कहेंगे? तो आप सीधे जवाब दे दीजिएगा कि एन अबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस इज नोन एज एरोफोबिया विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? एरोफोबिया विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट आंसर देते रहिए। नेक्स्ट वन, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रेक्स इट इज विद क्ले, द आर्ट ऑफ मेकिंग क्या बनाना, पॉट्स बनाना, ब्रिक्स बनाना, इट इज विद क्ले, मिट्टी से अगर आप कुछ बना रहे हैं, द आर्ट ऑफ क्या, पॉट्स, बर्तन, ब्रिक्स, ईट, तो उसके लिए एक वर्ड बताना है, सेरेमिक्स होगा, कैलीग्राफी होगा, एस्ट्रोनॉमी होगा, फ्रेस्को होगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो सेरेमिक्स हो जाता है, क्या हो जाता है? सेरेमिक्स विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, सेरेमिक्स विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, फिजियोगेनोमी, पॉलीगेनोमी, मिसोगेनोमी या एस्ट्रोनोमी, क्या कहा जाएगा? द स्टडी ऑफ फेस को क्या कहा जाएगा? तो आप इसका सही जवाब बता दीजिएगा, इसे हम बोलते हैं फिजियोगनोमी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फिजियोग नोमी विल बी द करेक्ट आंसर, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। बिल्कुल दिमाग में सेट करते रहिए। अ बंच ऑफ फ्लावर्स पैरोल होगा, पेट्वाइस होगा, बैंक्विट होगा, वेस्पर हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आप दे दीजिएगा 22 का जो राइट ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा बैंक्विट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बैंक्विट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, अवेरी, एक्वेरियम, नर्सरी, सेनेटोरियम। देखिए बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसलिए इसका जवाब दीजिए। सभी प्यारे साथी झूम करके सेशन को शेयर करते रहें और जवाब देते रहें। 23rd का राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? एक्वेरियम विल बी द करेक्ट आंसर। दीक्षा जी का ऑप्शन आ रहा है कि बी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए एक्वेरियम विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आराम से क्लासेस को ले चलना है क्योंकि एक लंबी क्लास होने वाली है, मैराथन क्लास है। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं? 24 का आपका जवाब होगा लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 24 का जवाब आपका हो जाएगा लिंग्विस्टिक विल बी द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक कहा जाता है, हिस्ट्री होगा नहीं, इंटेमोलॉजी होगा नहीं, आर्कियोलॉजी होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन लिंग्विस्ट हो जाता है। ठीक है, फटाफट दिमाग में सेट करते जाइए। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीड़ों मकोड़ों का जो अध्ययन किया जाता है अक्सर एग्जाम में पूछता है, इससे हम क्या कहेंगे?
तो 25 का आप जवाब दीजिएगा, कीड़ों मकोड़ों का जो हम बोलते हैं इंटोमोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंटोमोलॉजी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको आप रख लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 26 की तरफ चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रूल बाय वोमेन, औरतों के द्वारा जो शासन किया जाता है इसको क्या बोलते हैं, अनार्सी कहेंगे, ग्रेगेरियस कहेंगे, सेकुलर कहेंगे, गायनियो को क्रेसी कहेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो दिथा जी का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 26 का हो जाएगा। नेक्स्ट वन, टू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, पोचर होगा, पंडित होगा, पंडित होगा, इंट्रडर होगा या बलगरर होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, फटाफट बताने की कोशिश करिए। ट्वेंटी सेवन का आपका हो जाएगा बलगलर होता है, ठीक ना, पर्सन हु ब्रेक्स इन टू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, बलगरर्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दीक्षा जी प्रैक्टिस करते रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए। एन अपीयरेंस ऑफ समबडी आर समथिंग्स दैट इज नॉट रियल, फेकेड होगा, एडिफिक होगा, स्ट्रेंजमेंट होगा या मेटामॉर्फोसिस होगा, तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा, फेकेड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेकेड विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एन अपीयरेंस ऑफ समबडी आर समथिंग दैट इज नॉट रियल, फेकेड विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 29 का, द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट द बॉडी ऑफ ए पर्सन आर एन एनिमल, क्या कहा जाएगा, तो राइट ऑप्शन आप दे दीजिएगा इसका, बी कह दीजिएगा, स्केलेटन हो जाएगा, राइट ऑप्शन स्केलेटन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। क्या पूछा गया था, ध्यान दीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट द बॉडी ऑफ ए पर्सन आर एन एनिमल इज नोन एज, क्या कहा जाता है, स्केलेटन कहा जाता है, सो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाता है, ठीक है ना। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर महामैराथन चल रही है वन और सब्टीट्यूशन की। चलिए इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसका वर्णन करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो, उसका आपको बताना है कि उसके लिए एक वर्ड्स हम क्या यूज़ करेंगे। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब को हम बोलते हैं इनइफेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनइफेबल विल बी द करेक्ट आंसर। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू द डिस्क्राइब, नेक्स्ट बताइए, टू ग्रेट इन द वर्ड्स, टू ग्रेट आर ब्यूटीफुल, टू डिस्क्राइब इन द वर्ड्स, ineffable, circumstantial, effervescent या prerogative, क्या कहा जा सकता है डियर फ्रेंड्स, 31 का आपको जवाब देना है, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ineffable विल बी द करेक्ट, फिर इसका भी ए होगा, क्या होगा, इसका भी ineffable होगा, मतलब टू ग्रेट आर ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स विल बी करेक्ट आंसर। फटाफट इसका जवाब देना है, शॉकिंग, एक्सट्रीमली बैड, अपालिंग होगा, अमानेंट होगा, टेम्परल होगा, इनएक्सोरेबल होगा, शॉकिंग मतलब शॉक लग जाना, एक्सट्रीमली बैड, राइट ऑप्शन क्या होगा, 32 का जवाब देना है, अपालिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपालिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंसिएशन अलाइक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस्ड अलाइक, इसको तो आप सभी जानते होंगे, इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स कहा जाता है, समान ध्वनि वाले शब्द, ठीक है ना, डिफरेंट स्पेलिंग होगी लेकिन उसका उच्चारण क्या होगा, एक तरीके से होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, होमोफोन्स कहा जाता है, होमोफोन्स विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, द स्टडी ऑफ डिजीजेस क्या कहा जाता है, वायरोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोलॉजी, फिजियोगनोमी,
फिजियोग नॉमी क्या कह सकते हैं, तो पैथोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ डिजीज तो होता है, जो डिजीजेज होते हैं उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। पैथोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वन, ग्रुप ऑफ सीप को हम क्या बोल सकते हैं? चलिए एक क्वेश्चन छूट गया, 35 लेते हैं। 34 का आपका जवाब हो गया था पैथोलॉजी, 35 का आपको जवाब देना है द स्टडी ऑफ एनिमल। द स्टडी ऑफ एनिमल का क्या होगा? तो आपने कहा जूलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ एनिमल के लिए एक वर्ड्स हमारा क्या होगा, जूलॉजी में ही किया जाता है। आर्कियोलॉजी होगा नहीं, बॉटनी होगा नहीं, ऑन्कोलॉजी होगा नहीं, तो क्या होगा, जूलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ शिप को हम क्या बोलते हैं? दीक्षा जी का आंसर सर डीप बोलेंगे, बिल्कुल सही डियर, फ्लॉक कहा जाता है। 36 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन अ टाइम। 37 का आपको जवाब देना है, क्या कहा जाएगा, अक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स इन द टाइम, इपिडेमिक कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे, टेम्पोरल कहेंगे या स्पोरेडिक बोलेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, स्पोरेडिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पुनः सुन लीजिए, अक्यूरिंग एट इरेगुलर इंटरवल इन अ टाइम, स्पोरेडिक विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जनाब सरकार फटाफट आंसर दीजिए। अ मेडिसिन विच प्रोड्यूसेज इनसेंसिटिविटी, एंटीडोट, ड्रग्स, एनाइस्थेटिक, स्मॉक कहेंगे, क्या कहा जा सकता है, मतलब ऐसी दवा विच मैंने जो प्रोड्यूसेज में उत्पन्न करती है इनसेंसिटिविटी, उसके लिए शब्द आपको बताने हैं तो बिल्कुल बता दीजिएगा। एनास्थेटिक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एनास्थेटिक विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अ मेडिसिन विच प्रोड्यूसेज इनसेंसिबिलिटी, मतलब आप क्या हो जाएंगे, ये दवा जैसे सुहा दी जाएगी आप क्या हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, एनास्थेटिक, ठीक ना, आपका सेंस काम नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, 38 के बाद चलते हैं 39 की तरफ, यह रहा आप स्क्रीन पर आ रहा क्वेश्चन। 39, अ कैंप इन द ओपन एयर विदाउट टेंट्स आर कवरिंग, अ कैंप इन द ओपन एयर विदाउट टेंट आर कवरिंग को क्या कहा जाएगा, तो आप इसका जवाब बता दीजिएगा। इसको हम बोलते हैं वैक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक। एलेजी होगा नहीं, अली भी नहीं होगा, कैरियन नहीं होगा, क्या होगा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, बी आई वी ओ यू ए सी, वैक बोलते हैं। कैंप इन द ओपन एयर विदाउट टेंट आर कवरिंग, इसको क्या बोलते हैं, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा दीक्षा जी, वैक विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट सभी प्यारे भाई बहन जुड़ते जाएं और सेशन को शेयर करते रहें। कंट्रीज इंगेज इन वॉर, मतलब ऐसा देश जो हमेशा युद्ध में इंगेज रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रीज इंगेज इन वॉर बेलिजिरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलिजिरेंट, ध्यान दीजिए, कंट्रीज इंगेज इन वॉर इज नोन एज बेलिजिरेंट। ठीक है ना, वैरियर होगा नहीं, बेलिकोज होगा नहीं, कैंटाग्यूएस नहीं होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन डियर हमारा हो जाता है अश्व, क्या नाम है, अश्वनिका जी, मोस्ट वेलकम, राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है बेलिजिरेंट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन बताने की कोशिश करिए। 41, अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन आर थिंक ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैग्रेटेड मैनर एज टू केज लाफ्टर, है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि पिक्चर ऑफ ए पर्सन आर अ थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैग्रेशन मैनर एज टू केज लाफ्टर, मतलब ऐसा पिक्चर बनाया गया हो कि जिसे देखकर आपको हंसी आ जा रही हो, उसे बोलते हैं कैरी कैचर, क्या बोलते हैं, कैरी कैचर कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। 41 का डी, अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन आर ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैग्रेटेड मैनर एज टू केज लाफ्टर, उसको क्या बोलते हैं, कैरी कैचर बोलते हैं। काइकोग्राफी दूसरा होता है, कार्टोग्राफी अलग है और कार्टून जो है अलग होता है। नेक्स्ट,
आर्टिकल्स सोल्ड बाय एक्सपोर्ट एपिटाफ कार्गो इम्पोर्ट. आपसे कहा किया जा रहा है कि आर्टिकल्स जो वस्तुओं को सोल्ड किया जाता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री, व्हाट कैन यू से. 42 का आपको जवाब देना है. तो इम्पोर्ट मीन्स तो मंगाना होता है और एक्सपोर्ट मीन्स भेजना होता है. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर. बर्ड्स फ्लॉक और ग्रुप्स, व्हाट कैन यू से. ग्रेगरियस कहेंगे, कॉन्ट्राजियस कहेंगे, पैरेबल कहेंगे, मैमल्स कहेंगे, क्या कहा जा सकता है. तो 43 का आपका जवाब होता है, बहुत ध्यान से पढ़िए, ग्रेगरियस कहा जाता है. क्या कहा जाता है, 43 का जवाब आ रहा है, ग्रेगरियस कहा जाता है. बर्ड्स आर एनिमल्स दैट लीव्स इन फ्लॉक और ग्रुप्स, ग्रेगरियस कहा जाता है. नेक्स्ट वन डियर, द वर्शिप ऑफ एडल्ट्स और इमेज, वर्शिप करना ऑफ एडल्ट्स और इमेज की क्या कहा जाएगा. एडल्ट्री कहेंगे, ब्लेसफेमी कहेंगे, सिलेबेसी कहेंगे, स्यूडोनिम कहेंगे. तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. एडोलेट्री विल बी द करेक्ट आंसर. एडोलेट्री विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना. द वर्शिप ऑफ एडल्ट्स और इमेजेस नोन एज एडोल्ट्री विल बी द करेक्ट आंसर. है सबकी यही पुकार अब की बार सिलेक्शन पर. झूम करके सेशन को शेयर करते रहिए. लैकिंग इन समथिंग नेसेसरी, डिफेक्टिव, डिफिसिट, डिरेंज्ड, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कहेंगे, क्या कहेंगे. लैकिंग माने कमी, इन समथिंग्स नेसेसरी. तो 45 का राइट ऑप्शन दे दीजिएगा, डिफेक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर. डिफेक्टिव विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन डियर, अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, पेनेसिया, नार्कोटिक, बैरन, अनाइस्थेटिक. तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, पेनेसिया विल बी द करेक्ट. चलिए, गोविंद कुमार जी मोस्ट मोस्ट वेलकम. सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत स्वागत है. नेक्स्ट वन, महामैराथन चल रहा है. दैट अक्योर्स एवरी ईयर, दैट अक्योर्स एवरी ईयर, रेगुलर, सेमी एनुअल, फ्रिक्वेंट, पेरेनियल, क्या कहेंगे. फटाफट आंसर दीजिए. 47 का जो जवाब आपका होगा डी होगा, पेरेनियल कहा जाता है. मतलब दैट अक्योर्स एवरी ईयर, जो प्रत्येक वर्ष होता है उसे पेरेनियल कहा जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. अ वॉमेन विथ हेयर दैट इज पल गोल्ड इन कलर, ब्लॉन्ड, ब्रूनेट, अमेजन, एलिट, क्या कहेंगे. अ वॉमेन हिज हेयर, एक ऐसी महिला जिसका जो हेयर है दैट इज पल गोल्ड हो इन कलर, उसके लिए एक वर्ड्स आपको बताना है, उसको बोलते हैं ब्लॉन्ड. क्या बोलते हैं, ब्लॉन्ड. 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ब्लॉन्ड विल बी द करेक्ट आंसर. अ वॉमेन विथ हेयर दैट इज पल गोल्ड इन कलर इज ब्लॉन्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ए फॉर एपल सही होगा. नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, क्या कहेंगे. लेगेसी कहेंगे, लेजेंड कहेंगे, पेट्रीमोनी कहेंगे, इनहेरिटेंस कहेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है. तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इनहेरिटेंस विल बी द करेक्ट आंसर. इनहेरिटेंस विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए डियर, नेक्स्ट वन बात करते हैं. एक्ट ऑफ पुटिंग समबडी इन द प्रिजन ड्यूरिंग ए वार आर फॉर पोलिटिकल रीजन, although they have not been charged with a crime, क्या कहेंगे. इंटरमेंट कहेंगे, इंटरमेंट कहेंगे, इंटरनमेंट कहेंगे, या इम्ब्रोग्लियो कहेंगे, या बोरो कहेंगे, क्या कहा जा सकता है. एक्ट ऑफ पुटिंग somebody इन प्रिजन ड्यूरिंग ए वार आर फॉर द पोलिटिकल रीजन although they have not been charged with a crime, हो सकता है उसने कोई क्राइम ना किया हो. तो इसको हम बोलते हैं इंटरमेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है, इंटरमेंट विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए डियर, फटाफट सेशन को शेयर करते रहिए. लगातार रही है और लगातार जीतोड़ मेहनत कर रहा है आपका अपना पीएस क्लासेस. बस आप प्रैक्टिस करें, किसी भी परीक्षा में धूम मचा देंगे. अ सीक्रेट यूजली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग, आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है.
तो इसे हम बोलते हैं सब्टरफ्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्टरफ्यूज विल बी द करेक्ट आंसर। अ सेक्रेट यूजली डिसऑनेस्ट वे ऑफ बिहेविंग सब्टरफ्यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्टरफ्यूज विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टू थ्रो अ ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम ए शिप एन एयरक्राफ्ट अ स्पेस क्राफ्ट ईटीसी क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? कैप्साइज कहेंगे, इंथ्राल कहेंगे, वॉली कहेंगे, जेटिसन कहेंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होता है जेटिसन कहेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कहा क्या है? इट थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स आर फ्यूल फ्रॉम शिप एन एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट जेटिसन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, थिंग्स रिलेटेड टू द मून, मून से रिलेटेड क्या हो सकता है आपको बताना है। लूनार होगा, सोलर होगा, पेरिनियल होगा, सेलेस्टियल होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा होता है लूनार हो जाएगा। थिंग्स रिलेटेड टू मून लूनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूनार। नेक्स्ट वन, समथिंग वेरी ब्राइटली कलरफुल, समथिंग वेरी ब्राइटली कलरफुल एलीट हैंकेड हॉन्टेड फ्लेम ब्लाइंड। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, समथिंग वेरी ब्राइटली कलरफुल जो होता है उसे फ्लेम ब्लाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेम ब्लाइंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए थोड़ा स्पीड और तेज करते हैं, फटाफट आंसर लेते हैं। ए लॉन्ग स्पीच फॉर ए सिंगल एक्टर और एक्ट्रेस यूजली एलॉन्ग ऑन द स्टेज। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहेंगे? मोनोलॉग, सोलिलॉग, एपिलॉग, डायलॉग। अ लॉन्ग स्पीच फॉर अ सिंगल एक्टर और एक्ट्रेस यूजली एलॉन ऑन स्टेज क्या बोलते हैं? तो ये जो हमारा होता है मोनोलॉग होता है। क्या होता है? मोनोलॉग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक ना, सोलिलॉक्वी माने बड़बड़ाना होता है, अकेले बड़बड़ाएगा। ए लॉन्ग स्पीच यहाँ पे बताया जा रहा है, एक लॉन्ग लंबी स्पीच हो फॉर ए सिंगल एक्टर। ठीक ना, ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसको बोलते हैं, एक काल्पनिक एक व्यक्ति होता है, एक काल्पनिक व्यक्ति के बारे में बोलता है, तो उसको बोलते हैं मोनोलॉग। और ड्रामा में यूज़ करते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाएगा। तो 5 हमारा राइट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, अ पिक्चर ऑफ ए पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जरेटेड मैनर एज टू केस लाफ्टर। फिर वही क्वेश्चन देखिए, बार बार पूछ रहा है, कैरी कैचर वाला। ठीक ना, कैरी कैचर मेरी विंडसर विंडसोर में है, तो कैरी कैचर बोलते हैं। पिक्चर ऑफ अ पर्सन आर अ थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जरेटेड मैनर एज टू केस लाफ्टर कैरी कैचर विल बी द करेक्ट आंसर। A plain figure with many angles and sights. Stay, thoposcope, quadrennial, extempore, polygon, क्या कहा जा सकता है? तो right option यहाँ पर होगा polygon हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Polygon will be the correct answer. A pull figure, a plain figure, plain भी बोल सकते हैं, plain, a plain figure with many angles and sides. पॉलीगॉन बोलते हैं। और नेक्स्ट वन, अ शॉर्ट सिंपल स्टोरी डिजाइंड टू टीच अ मोरल और रिलीजियस लेशन। चलिए क्या कहेंगे? एलिमनी कहेंगे, फेबल कहेंगे, पैरेबल कहेंगे, एलगोरी कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आप सही जवाब दीजिएगा, पैरेबल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक शॉर्ट सिंपल स्टोरी होती है डिजाइन टू टीच अ मोरल एंड रिलीजियस लेशन, धार्मिक और नैतिक लेशन का पाठ पढ़ाती है, तो उसे पैरेबल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैरेबल विल बी द करेक्ट आंसर। द थिंग्स रिलेटेड टू द सन, सन से रिलेटेड क्या हो सकता है? सन से रिलेटेड, तो सन से रिलेटेड जो होता है प्लेनेटोरी विल बी द करेक्ट आंसर। सोलर होगा नहीं, लूनार होगा नहीं, सेलेस्टियल होगा नहीं, यहाँ पर प्लेनेटोरी हो जाएगा। अर्थात कहने की कोशिश करें तो थिंग्स रिलेटेड टू सन प्लेटोनोट्री विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन,
इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ ऑफ एन ऑफेंस, जेटिशन होगा, एक्सपोर गेट होगा, डायग्नोज होगा, एग्रीवेट होगा। श्रीडियर फटाफट बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन छूट गया क्या भाई ये किसमें? हाँ क्वेश्चन नंबर 9 सा हो गया, रिलेटेड टू द सन। तो 9 का आपने क्या किया था? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 का प्लेटोनरी नहीं होगा। एक मिनट डियर, 8 का सी था, सी हो जाएगा पैरेबल आपने किया। और यहाँ पर अगर हम बात करें 9 का जो होगा सोलर हो जाएगा ना, 9 का सोलर हो जाएगा, सोलर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सोलर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, डन सेक्रेटली शो एज नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन, 10 का जो आपका हो जाएगा क्वाइटली होगा, सैडली होगा, साइलेंटली होगा, स्टिल्डली होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या होता है सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं एग्रीवेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा एग्रीवेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, प्लेसिंग अ थिंग्स बिसाइड अनदर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा जक्स्टापोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा जक्स्टापोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट महामैराथन सेशन में आप सभी जुड़ते रहें और आंसर देते रहें। लगातार आपका पीएस क्लासेस आपके सिलेक्शन के लिए मैराथन दे रहा है। To reduce to nothing, migrate, abdicate, annihilate, besiege, आखिर में इसकी स्पेलिंग भी besiege की पूछी जाती है। तो 13 का आपको जवाब देना है डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा To reduce to nothing, reduce माने कमी करना। तो 13 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा annihilate will be the correct option, क्या हो जाएगा annihilate। Next, determine the nature of disease, determine the nature of disease को क्या कहेंगे? राइट ऑप्शन आप कह सकते हैं डायग्नोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा डायग्नोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिजीज, डायग्नोज विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डिटरमाइन होगा नहीं, डिफेक्ट होगा नहीं, इन्वेस्टिगेट नहीं होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वांट आर लैक ऑफ ब्लड, क्या कहा जाएगा 15 का राइट ऑप्शन दे दीजिएगा। एनीमिया कहा जाता है, खून की जो कमी होती है उसको एनीमिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझने में कठिनाई हो, क्रेडुलस होगा, प्लेकी होगा, अब्स्ट्यूज होगा, क्या कहा जा सकता है? तो हार्ड टू अंडरस्टैंड की अगर हम बात करें अब्स्ट्यूज हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्या हो जाएगा अब्स्ट्यूज विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, language that has been very much used का क्या हो जाएगा hackneyed हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन वन बाई वन आते जाएंगे। hackneyed will be the correct option, language माने भाषा, that has been very much used, ऐसी भाषा जिसका ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा हो, उसके लिए शब्द अगर बनाने हैं तो क्या बोलेंगे hackneyed will be the correct option हो जाएगा। चलिए next one dear, an involuntary action under stimulus is described as, an involuntary action under a stimulus is described as, क्या कहा जाएगा? तो 18 का हम बोलते हैं, कह सकते हैं रिफ्लैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिफ्लैक्स बोला जाता है। चलिए बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, अ स्मॉल रेज्ड प्लेटफॉर्म that a person stands on to make a speech or receive a prize, palace होगा, restaurant होगा, spire होगा, dais होगा, tell me guys what can you say, a small raised platform that a person stands on to make a speech or receive a prize, what can you say। तो इसे आप कह सकते हैं 19 का जवाब दीजिएगा, rostrum हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं रोस्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट वन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड आर
ऑफ ए करेंट करेंट ऑफ गैस, ठीक ना, करेंट ऑफ गैस, तो इसको आप बताइएगा एनमोमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा एनोमीटर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फटाफट देखिए महामैराथन में सभी जुड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केजिंग और एंडिंग इन द डेथ, फैटल होगा, डेडली होगा, सीरियस होगा, डेंजरस होगा, क्या कहा जा सकता है, 21 का आंसर दीजिए, 21 का हो जाएगा फैटल विल बी द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा फैटल विल बी द करेक्ट आंसर। अब स्पीड को थोड़ा मेंटेन करेंगे। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, मेमोयर्स होगा, डायरेक्टरी होगा, एंथोलॉजी होगा, कैटालॉग होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, क्या कहा जा सकता है, 22 का राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा, कैटालॉग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैटालॉग कहा जाता है। प्यारे साथियों, इसके पहले लगातार एक से लेकर के और 5:30 बजे तक महामैराथन चली, उसको भी आप लोग ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू आएंगे। तो सभी प्यारे भाई बहन उसे भी देख लेंगे, दूसरा पार्ट चल रहा है, इसमें एक लंबा महामैराथन होगा, तो धैर्य बना के रखना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो हार्ड वर्क करना होगा। अ लिस्ट ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी की बात करें तो कैटालॉग होगा। चलिए नेक्स्ट वन, द हेडिंग और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल चैप्टर ऑफ ए बुक्स इज गेस्चर, कैप्शन, फ्रॉड, डिस्पोंस, डिप्सोमैनिया। चलिए झूम करके सेशन को शेयर करते रहिए, क्या कहा जाएगा। तो जो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर बनता है, कैप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द हेडिंग आर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए न्यूज़पेपर आर्टिकल्स चैप्टर ऑफ ए बुक इट इज सी को हम बोलते हैं कैप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अब्सेंस ऑफ रेन फ्रॉम लॉन्ग टाइम को क्या कहा जा सकता है, लंबे समय से अगर वर्षा नहीं हो रही है तो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो आप कह सकते हैं ड्रॉट, क्या कह सकते हैं, ड्रॉट वर्ड का यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट वन, अब मॉर्नफुल सॉन्ग और पोएम फॉर डेथ, बैलेड होगा, डर्ज होगा, ओड होगा, लिरिक होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, इसको हम शोक गीत बोलते हैं, किसी के लिए शोकाकुल होकर के आप अगर स्वीकार करते हैं तो उसे डर्ज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डर्ज। मॉर्नफुल सॉन्ग शोक गीत जो होता है, किसी के मृत होने पर जो गाया जाता है, डर्ज उसको बोलते हैं। अ क्विक शॉर्ट सडन मोमेंट ऑफ द फीचर्स मसल्स लिम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी यूजली विदाउट कंसियस कंट्रोल ट्विस्ट ट्वीट ट्विच ट्वीट, क्या कहेंगे, तो आप इसे बोलते हैं ट्वीच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्वीच विल बी द करेक्ट आंसर। A quick, short, sudden movement of the features, muscles, limbs of the human body, usually without conscious control, twitch कहा जाता है। Okay dear, next one. Route to be followed on a journey, parole, itinerary, jaun, vespers, क्या कहा जाएगा, फटाफट जवाब देना है 27 का। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनते रहिए, आइटिनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइटिनरी बोलते हैं। अ प्लान फॉर, ए प्लान भी कर सकते हैं, जैसे प्लेन होता है ना, समतल, प्लेन फॉर द रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, आइटिनरी कहा जाता है। चलिए एक बार झूम करके सेशन को शेयर करिए सभी ग्रुप में। अ ग्रुप ऑफ पीपल एट चर्च, अ ग्रुप ऑफ पीपल एट चर्च, क्या बोलेंगे, कांग्रेजेशन बोलेंगे, क्राउड बोलेंगे, इप्टम बोलेंगे, सरकम, एक्सपेक्टेशन कहेंगे। 28 का जवाब क्या होगा बताइए, 28 का राइट ऑप्शन हमारा होता है कांग्रीगेशन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांग्रीगेशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन डियर, हम बात करते हैं यहाँ पर, टू सेंड बैक अ पर्सन टू हिज ओन कंट्री को क्या कहा जाएगा, To send back a person to his own country, क्या कहेंगे, repatriate कहेंगे, very important है, abdicate कहेंगे, expatriate कहेंगे। 29 का जवाब देना है, this is very important, this is very very important, क्या कहेंगे बताइए, To send back a person to his own country,
मान लीजिए आप कहीं विदेश गए हैं और वहाँ से आपको वापस भेजा जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो जो राइट ऑप्शन आपका बनेगा, रिपैट्रिएट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अक्सर डियर ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आपको बहुत सावधानी से करना है। रिपैट्रिएट विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 का। ओके चलिए, 29 का क्या हो रहा है? रिपैट्रिएट विल बी द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल को क्या बोलते हैं? ओबिट्यूरी, नेल, मैंडेट, लीवेल। द साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल को क्या कहा जाता है? तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा, इसे कहा जाता है नेल। इसे क्या कहा जाता है? इसे नेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नेल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए डियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डील हो रहा है, बिल्कुल इसे आप एब्सेंट करें और इसे बार बार देखिएगा, वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हम करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं। तो फीडिंग ऑन फ्रूट की अगर हम बात करें, फीडिंग ऑन फ्रूट की बात करें, तो ओमनीवोरस होगा, ग्रैमी नोवोरस होगा, कार्निवोरस होगा या फ्रीजीवोरस होगा। तो 31 का यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होता है, फ्रीजीवोरस विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फीडिंग ऑन फ्रूट मतलब जो फलों पर अपना जीवन व्यतीत करता है, उसको फ्रूजीवोरस कहा जाता है। नेक्स्ट वन, गुड्स फाउंड फ्लोटिंग आफ्टर शिप रैक डोनेट डो टेस कहेंगे, पिस्टल कहेंगे, फ्लोट सेम कहेंगे या फोर्जरी कहेंगे? 32 का आपको जवाब देना है। गुड्स माने जो सामान होते हैं, फाउंड फ्लोटिंग आफ्टर ए शिप रैक, मान लीजिए कोई जो शिप रैक है, कोई शिप डूब गई है और उसमें जो सामान रखा हो फ्लोटिंग कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोट सेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट सेम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, अनार्को, निस्टिक, अब्सोल्यूट, इनकांग्रुग्रस, आर्चाइल। दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस की अगर हम बात करें, तो 30 ठीक आपका क्या होगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा, ठीक ना? ऑब्सोलीट विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से सुनते रहिए और जवाब देते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और महामैराथन का सफर चल रहा है, इसके पहले लगातार 4 घंटे का महामैराथन, 4.5 घंटे का रेगुलर दिया पीएस क्लासेस ने, उसको भी आप देख लीजिए, किसी परीक्षा में जा रहे हैं और इसको भी देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका वन और सब्ट्यूशन का गलत नहीं रहेगा। 34 का आपको जवाब देना है, सोल्जर ऑन फुट। सोल्जर ऑन फुट की हम बात करेंगे तो क्या बोलते हैं? इन्फेंट्री विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोल्जर ऑन फुट की बात करें, जो पैदल सैनिक होते हैं उन्हें इन्फेंट्री बोलते हैं। कैवेलरी घुड़सवार होता है, प्रोटोटाइप, क्वाड्रेप्ट, इसके बारे में आगे बताया जा चुका है। नेक्स्ट वन, पूरा वीडियो आप दोनों देखिए, दोनों भाग। टू थ्रो आर ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स आर फ्यूल फ्रॉम ए सीप एंड एयरक्राफ्ट इस टी सी। 35 का आपका जवाब देना है, तो इसका जवाब बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, जवाब क्या होगा? बी, जेटिसन विल बी द करेक्ट आंसर। टू थ्रो आर ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स आर फ्यूल फ्रॉम ए सीप एंड एयरक्राफ्ट इस सी, वो क्या बोलते हैं? जेटिसन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सेशन को जूम करके शेयर करिए, लगातार मैराथन ले रहा हूँ, 5 घंटे के बाद फिर महामैराथन चल रहा है। प्यारे भाई बहनों, सेशन को शेयर करिए झूम करके। 36 का आपको जवाब देना है, लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वोमेन विदाउट बींग मैरिड टू ईच अदर, क्या कहेंगे? कारकेस कहेंगे, कैप्शन कहेंगे, कंकुबाइनेस कहेंगे या कन्वो कहेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 36 का। अरे भैया, शादी तो हुआ नहीं और शादी के पहले एक साथ रहने लगे। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वोमेन विदाउट बींग मैरिड टू ईच अदर, कंकुबाइनेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंकुबाइनेस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, मोशन ऑफ हेड्स हैंड्स इट इज सी एज ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, गेस्चर, ग्रेन, ग्राइन, गेस्टेशन, ग्राइमेक, ठीक ना? मान लीजिए आप किसी को जो है मोशन ऑफ हेड, हेड हिलाते हैं, हैंड्स हिलाते हैं, मूड ऑफ एक्सप्रेशन दिखाते हैं, तो उसको गेस्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेस्चर विल बी द करेक्ट आंसर।
देखिए सेक्शन ऑफिसर 2007 में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आपके प्रशांत सर का जो अनुभव है इससे बाहर कहीं भी वन और सब्टीट्यूशन नहीं आया है, तो इसलिए इस मास्टर वीडियो को आप ज़रूर देखें और प्रैक्टिस सेशन में जुड़ें। अब डियर फ्रेंड यहाँ पर हो चुका है 37 का आपका करा दिया गया, 38 की बात करते हैं, क्या आप इसके पहले था थोड़ा सा देख लिया जाए, लास्ट क्वेश्चन 37 हो गया और 38 की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। द कम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स संग्स टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल पीस ऑफ म्यूजिक, कैकोफोनी, पॉलीफोनी, ओडेशन, सरकमवेंशन, क्या कहा जा सकता है, फटाफट जवाब दें। 38 का जवाब देना है पॉलीफोनी, है ना, क्या कहेंगे, पॉलीफोनी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द कम्बिनेशन ऑफ सेवरल डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिकल नोट्स संग टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल पीस ऑफ म्यूजिक पॉलीफोनी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ सब्सटेंस दैट यू पुट ऑन योर फेस और बॉडीज टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, वोल्कानो, स्पायर, कॉस्मेटिक्स, प्लक्स, ये तो आप बता ही ले जाएंगे। अरे भैया चेहरे को साफ सुथरा करने के लिए कुछ लगाते हैं, क्रीम पाउडर, क्या लगाते हैं, आपने कहा सर कॉस्मेटिक लगाते हैं, कॉस्मेटिक क्रीम, सो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अ प्लेस ऑफ बरियल, केव होगा, चर्च होगा, सैनागोग्यूज होगा, सीमेंट्री होगा, तो 40 का तो आप जानते हैं, ऐसा स्थान जहाँ पर दफनाया जाता है सीमेंट्री है, बरियल किया जाता है, ठीक ना, तो सीमेंट्री होता है बरियल। नेक्स्ट वन, केसेस ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट इज, सर्वेलेंस कहेंगे, सरकम एक्सपेक्टेशन कहेंगे, प्रोफेनिटी कहेंगे, इंट्रोडक्शन कहेंगे, क्या कहा जा सकता है, फटाफट जवाब दीजिए, क्या कहा जा सकता है डियर। चलिए तो जो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा 41 का, वो केशन ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं सरकम इंस्पेक्शन कहा जाता है, सरकम इंस्पेक्शन कहा जाता है, इंस्पेक्शन कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट वन, 42, फ्लैट, अगर हम बात करें फ्लैट मेटल आर पोर्सेलेन फ्लैट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज ऑर्नामेंट आर मेमोरियल, व्हाट कैन यू से, प्लेग्यू डायरेक्टरी, प्लेग्यू डाइक, यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 42 का प्लेक्यू कहा जाता है, प्लेक बोलते हैं, फ्लैट मेटल ऑन पुरसे लैंड फ्लैट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेक्यू कहा जाता है। चलिए फटाफट सबका हम देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे इंटोमोलॉजी बोलते हैं सर, बार बार देखिए पूछ रहा है इंटोमोलॉजी, ठीक है, कीटों का जो हम अध्ययन करते हैं इंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, बिलीव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन नेचर, मतलब विश्वास करना कि प्रकृति में भगवान है, जैसे वर्ड्सवर्थ थे ना, तो प्रकृति में भगवान है विश्वास करते थे, तो वर्ड्सवर्थ जो थे पैथिज्म, ठीक ना, पैथिज्मवादी जो होते हैं वो विश्वास करते हैं कि बिलीव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन नेचर, वो विश्वास करते हैं कि प्रकृति ही क्या है, ईश्वर है, बिलीव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन नेचर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, दैट विच कैन नॉट बी ड्रंक, जिससे हम पी नहीं सकते हैं, पोर्टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट विच कैन नॉट बी ड्रंक, जिसे हम पी नहीं सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टू कट समथिंग इन टू पीसेज, सेवर कहेंगे, एक्सपैट्रिएट कहेंगे, रिपैट्रिएट कहेंगे, एबडिकेट कहेंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है, टू कट समथिंग इन टू पीसेज होता है सेवर, क्या होता है, सेवर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रिलीजियन, फ्लोरा होगा, म्यूजियम होगा, जू होगा, फाउना होगा, फ्लोरा फाउना तो बहुत पूछा जाता है, 47 का आपका जवाब क्या हो जाएगा, फाउना, ठीक ना, द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन,
रेन रेंज बोल सकते हैं, रेन क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में पाया जाने वाला जो एनिमल्स जानवर होता था फौना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फौना, द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रेन, ठीक ना, उसे क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ हाउस विच इज विजिटेड बाय घोस्ट, ऐसा घर जिसको घोस्ट है तो सभी जान जाएंगे कि क्या हो जाएगा, हाउंटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाउंटेड हो जाएगा, ठीक ना। ओके नेक्स्ट वन, एन एग्जाजरेटेड स्टेटमेंट, ये तो हाइपरबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 49 की बात करें भैया, खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलने को क्या बोलते हैं, हाइपरबल ही विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके तेजी के साथ प्रैक्टिस करा रहे हैं। आगे बात करें, लव दैट इज नॉट लीगल, ऐसा प्रेम जो विधिक ना हो, इलिसिट बोलेंगे, पोर्टेबल बोलेंगे, सार्टोरियल कहेंगे, जिलॉट कहेंगे, जिलॉट, तो 50 का आपका दीजिएगा कि इलिसिट हो जाएगा ना भाई, ऐसा प्रेम जो क्या है विधि के द्वारा माने नहीं है तो इलिसिट कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इलिसिट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन लेते हैं, विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, विल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर इज नोन एज, क्या कहेंगे, एजिटेशन कहेंगे, रिवोल्यूशन कहेंगे, पैंडोमोनियम कहेंगे, सटायर कहेंगे, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब शोरगुल होता है ना विल्ड में, नॉइजी डिसऑर्डर्स को पैंडोमोनियम कहते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो फटाफट जवाब देते रहिए। अ लाइटली कंस्ट्रक्टेड ओपन बूथ जनरली यूज एज ए न्यूज स्टैंड, क्वाइस पब्लिका रेप्लिका जाउंट नेल, क्या कहा जाएगा, ठीक ना, इसको क्वाइस, KIOS की क्वाइस, लाइटली माने हल्का, कंस्ट्रक्टेड माने बनाया गया, ओपन माने खुला हुआ, बूथ माने बूथ, जनरली माने सामान्यता, यूज करने के लिए एज ए न्यूज स्टैंड, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्क्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। नेक्स्ट वन, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, इंटीनरी बोलेंगे, इनसाइक्लोपीडिया कहेंगे, एडवाइस कहेंगे, सार्टोरियल कहेंगे, अब इसको तो आप जान ही गए होंगे, इनसाइक्लोपीडिया बोलेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वन, प्रोफेशन पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनी वन, मोनोपोली पेट्वाज रेप्लिका या प्लेटिट्यूड, 4 का ऑप्शन आपको देना है, आवश्यकता से अधिक किसी पर आप कंट्रोल करते हैं, एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनी वन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं, देखिए यही सभी भाई जुड़ रहे हैं, ठीक ना, मेहनत करना पड़ेगा आपको तभी सिलेक्शन मिलेगा, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट विथ अ फॉल्स सिग्नेचर, क्या कहा जाएगा, 5 का राइट ऑप्शन आपको देना है, मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट विथ अ फॉल्स सिग्नेचर, फॉर्जरी, इपाइडेमिक बोलेंगे, हाइस्टेरिया कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे, क्या कहा जा सकता है, गोविंद जी झूम करके शेयर करिए और फटाफट आंसर देते रहिए, फॉर्जरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्जरी कहा जाता है, मेकिंग ऑफ अ फॉल्स डॉक्यूमेंट विथ अ फॉल्स सिग्नेचर, फॉर्जरी कहा जाता है। ओके नेक्स्ट वन, देखिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी फॉर फैमिली मिलिट्री पर्पोजेज, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी फॉर मिलिट्री पर्पोजेज, ये तो क्वेश्चन आया बार बार, लॉजिस्टिक कहेंगे, रिकॉग्नाइज कहेंगे, सब वर्जन कहेंगे, कमाउल फ्लैश कहेंगे, क्या कहेंगे, सुनते जाइए वर्ड को, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कहेंगे सर रिकॉग्नाइजेंस कहेंगे, ठीक ना, रिकॉग्नाइजेंस मिस होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी फॉर मिलिट्री पर्पोज, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजेंस बोला जाता है। नेक्स्ट,
दैट इज लीगली गिवन चाइल्ड व्हेन वन डाइज नार्कोटिक सर्कमस्टेंशियल टेम्पोरल हेरिडेटरी क्या कह सकते हैं. तो यहाँ पर आप जवाब दीजिएगा डी ऑप्शन सही होता है, हेरिडेटरी विल बी द करेक्ट आंसर. और पूछा क्या गया है कि दैट इज लीगली गिवन टू वंस चाइल्ड व्हेन वन डाइज, ठीक ना, तो हेरिडेटरी इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी. अरे मरने के उपरांत, जो पिता के मरने के उपरांत तो स्वतः जो है उसको हो जाता है ना, तो यहाँ पर हेरिडेटरी की बात हो रही है. नेक्स्ट वन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेज इन विच डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम ईच जनरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू द नेक्स्ट. क्या कहेंगे क्या कहेंगे? जेनेटिक्स कहेंगे, थियोसोफी कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे या सिविक्स कहेंगे? पुनः सुन लीजिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेज इन विच डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आर पास्ड फ्रॉम ईच जनरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू नेक्स्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? तो आप जवाब दे दीजिएगा इसको जेनेटिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं. चलिए सेशन को जूम करके शेयर करते रहिए. महा मैराथन प्रैक्टिस सेशन परीक्षा में आने वाला प्रश्न चल रहा है. बिल्कुल सभी प्यारे साथी जूम करके सेशन को शेयर करें और आंसर देते रहें. है सबकी यही पुकार, अब की बार सिलेक्शन हमार का नारा है. वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, फिलेंडर्स, वॉलंटियर, मशीनरी, ठीक है, मशीनरी है, मिशनरी है, दो शब्द हैं. तो नाइन का अगर हम बात करें भैया, कुछ लोग होते हैं ना स्वयं सेवक जिनको बोलते हैं, वॉलंटियर विल बी द राइट आंसर. उन्हें कुछ चाहिए नहीं, वो सेवा करेंगे. वन हु ऑफर्स हिज सर्विसेज विदाउट चार्जिंग फॉर इट, ठीक ना, कुछ भी चार्ज नहीं चाहिए, वॉलंटियर कहे जाते हैं, राइट ऑप्शन होगा. डन विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग, इम्प्रॉम्प्टू, एलिबी, एलेट, लाइवल. डन विदाउट प्रिपरेशन और प्लानिंग, किसी चीज़ को बिना प्रिपरेशन और प्लानिंग के अब क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड्स क्या होता है डियर, उसके लिए हो जाएगा वर्ड्स आपका, अगर हम बात करें तो वो आपका वर्ड्स हो जाएगा इम्प्रॉम्प्टू विल बी द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा? इम्प्रॉम्प्टू, ध्यान दीजिए, इम्प्रॉम्प्टू विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए प्यारे साथियों सेशन को शेयर करते रहिए और जगे रहिए. फेंटिंग और डेथ ड्यू टू बीइंग डिप्राइड ऑफ एयर, फेंटिंग और डेथ ड्यू टू बीइंग डिप्राइड ऑफ एयर, क्या होगा बताइए? अमनेसिया होगा, हिस्टीरिया होगा, फोनिया होगा, एस्फैक्सिया होगा, क्या कहा जा सकता है? और फेंटिंग और डेथ ड्यू टू द बीइंग डिप्राइव ऑफ एयर, हवा से भाई डर करके पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? आप राइट ऑप्शन बताइएगा. एस्फैक्सिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एस्फैक्सिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी हो जाएगा. ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, बिल्कुल अब सेंटिंग न करें. An occasion when all the people of a country can vote on an important issue, sedition कहेंगे, referendum कहेंगे, odyssey कहेंगे, ideo signing crazy कहेंगे. 12 का right option आपको बताना है. An occasion when all the people of country can vote on important issue, what can you say? तो इसको हम बोलते हैं referendum बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेफरेंडम विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रेफरेंडम विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा. कैसा ओकेजन है? एन ओकेजन, ऐसा अवसर, व्हेन माने जब, ऑल पीपल माने सभी लोग, आप कंट्री माने देश के, कैन वोट करते हैं, मतलब वोट देना किसको, ऑन इम्पॉर्टेंट इशू, किसी इम्पॉर्टेंट इशू पर रेफरेंडम बोलते हैं. क्या कहते हैं? रेफरेंडम कहते हैं. ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए. नेक्स्ट वन, आइए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका जवाब दीजिए. चलिए डियर, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू फाइंड ए जॉब, क्विक होगा, कैनिबाल होगा, आइटिनरेंट होगा, क्वेरियर होगा. One who journeys from place to find a job, क्या कहा जाएगा? बी एन यादव जी मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल लापरवाही न करें.
13 का आप सभी को जवाब देना है, किसका जवाब देना है, एक मिनट, 13 का आप सभी को जवाब देना है, क्या कहा जाएगा? वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड ए जॉब, क्या कहा जाएगा आपको? 13 का जवाब देना है, बिल्कुल गोविंद कुमार जी, इंटिनीरेंट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इंटिनीरेंट कहा जाता है, ठीक ना, आइटिनीरेंट कहा जाता है, बहुत सही ऑप्शन आपने दिया है। 14 का लेते हैं, नेक्स्ट वन, डिस्ट्रॉइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, वैंडलिज्म, प्रोटेस्ट, राइट, आर्सन, डिस्ट्रॉइंग वर्क ऑफ आर्ट, ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रॉइंग वर्क ऑफ आर्ट वैंडलिज्म होता है, पहला ऑप्शन सही होगा, वैंडलिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्या कह रहा है, डिस्ट्रॉइंग माने मिटा देना, वर्क्स माने कार्य, आप माने का, और आर्ट माने कला, तो जो कला का कार्य उसको मिटा देना, उसका मतलब क्या होता है, वैंडलिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। खूब ध्यान से सुनते रहिए, नेक्स्ट वन, ए डॉगमेटिक पर्सन, नोमैडिक बोलेंगे, एलिट बोलेंगे, जिलट बोलेंगे, श्वास बकलर कहा जाएगा, 15 का आंसर क्या होगा, जिलट कहा जाता, क्या बोलते हैं, जिलट विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यही तैयारी हो रही है, अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन लूजेज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आर प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, अफेशिया, डोटेज, पैरालिसिस, एपिडेमिक, क्या कहा जा सकता है, 16 का जवाब देना है। अ मेडिकल कंडीशन इन विच ए पर्सन लूजेज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आर प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज, अफासिया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अफेशिया विल बी द करेक्ट आंसर। 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए गोविंद कुमार जी बहुत स्वागत है, बीएन यादव जी बहुत स्वागत है, सभी प्यारे भाई बहन, भाई ध्यान से अटेंड करिए, सभी प्यारे भाई बहन देख रहे हैं कि एकदम हौसला तोड़ दे रहे हैं आप लोग, कैसे टॉप रैंकर बनेंगे, अगर सुन नहीं सकते तो कैसे टॉप रैंकर बनेंगे। अराउंड अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, लूज टंग, लैक्यूसियस, सरकम लोक्यूजन, टॉकेटिव, 17 का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, सरकम लोक्यूशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकम लोक्यूशन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरकम लोक्यूजन कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ लार्ज ब्रांच ऑफ अ ट्री, बाओ, डार्स, बोरो, एपिडेमिक, क्या कहेंगे, 18 का जवाब देना है। अ लार्ज ब्रांच ऑफ टी को हम क्या बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा बॉ, क्या बोलते हैं, बी ओ यू जी एस, बॉ होता है, अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री को बॉ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली काउंटिंग सम थिंग्स स्पेशली अ कंट्रीज पॉपुलेशन एंड रिकॉर्डिंग वेरियस फैक्ट, सेंसस, जज, इकोलॉजी, फॉर्जरी, 19 का जवाब देना है। द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली काउंटिंग सम थिंग्स स्पेशली अ कंट्रीज पॉपुलेशन एंड रिकॉर्डिंग वेरियस फैक्ट इज नोन एज, क्या कहा जाएगा, तो 19 का जो राइट ऑप्शन होता है, सेंसस विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा गोविंद कुमार जी का। द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली काउंटिंग सम थिंग्स स्पेशली अ कंट्रीज पॉपुलेशन एंड रिकॉर्डिंग वेरियस फैक्ट, सेंसस कहा जाता है, डर्ज नहीं होगा, इकोलॉजी नहीं होगा, फोर्जरी नहीं होगा। नेक्स्ट वन, अ सॉन्ग संग एट द बरियल आर फॉर डेड पर्सन, यूलोजी, डर्ज, फोर्जरी, स्पाइनेज, क्या कहा जाएगा, 20 का जवाब देना है आपको। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर चुका है, डेड पर्सन है, उसको दफनाया जा रहा है, उस पर एक गीत गाया जा रहा है, तो कौन सा गीत होता, डर्ज होता है, शोक गीत होता है, क्या होता है, डर्ज होता है, शोक गीत होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें तैयार करा रहा है आपका अपना पीएस क्लासेस, यंग काउ।
is not eight hand calf, क्या कहा जाएगा? तो आप उससे हाइफर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हाइफर विल बी द करेक्ट. ऑर्डिनरी आर कॉमन प्लेस रिमार्क, हैरेंग्यू कहेंगे, सेनोटाइप कहेंगे, प्लेटिट्यूड कहेंगे या इलाइसियम कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? 21 का देखिए इनका जवाब आ रहा है गोविंद कुमार जी का कि डी सर होगा. देखते हैं क्या सही हो रहा है. 22 का क्या होगा? तो 22 का आपका राइट ऑप्शन होता है प्लेटिट्यूड विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए बहुत बार स्पेलिंग पूछी गई है प्लेटिट्यूड की, तो स्पेलिंग भी आपकी तैयार हो रही है, वन और सब्स्टिट्यूशन भी तैयार करवा रहा है पीएस क्लासेस, तो ध्यान से सुने. प्लेटिट्यूड का मतलब होता है ऑर्डिनरी और कॉमन प्लेस रिमार्क, ठीक ना. ऑर्डिनरी माने या कॉमन माने सामान्य, और प्लेस माने स्थान, रिमार्क माने कमेंट करना, तो प्लेटिट्यूड हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन. द टेंडेंसी टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर फ्यूचर, द टेंडेंसी टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर फ्यूचर इज नोन एज आइटिनरी प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑबिट्यूरी मैंडेट, क्या कहा जाएगा? तो 23 का आपको जवाब आएगा. मतलब एक व्यक्ति होता है ना, हर चीज़ को पोस्टपोन करता है, टेंडेंसी टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर फ्यूचर कि चलो कल करेंगे कल करेंगे. तो ऐसे को हम क्या कह सकते हैं? इसको बोलते हैं ये बी वाला ऑप्शन प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, कि हर चीज़ को फ्यूचर में वो टालता है कि फ्यूचर में ये काम को करेंगे, ठीक है, और कर नहीं पाता है. चलिए नेक्स्ट वन. द स्टडी ऑफ ए यंग एनिमल प्लांट और एनी क्रिएचर इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ, एम्ब्रायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोलॉजी, पैथोलॉजी, क्या कहा जा सकता है? 24 का आपको जवाब देना है डियर. 24 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहली की तरफ जाना बेटर होगा, एम्ब्रायोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर. क्या पूछा है ध्यान दीजिए. द स्टडी ऑफ ए यंग एनिमल प्लांट आर एनी क्रिएचर इन द वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो 24 का आपका राइट ऑप्शन होगा, एम्ब्रायोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक इनफेलिबल होगा, इनकोरिजेबल होगा, इनइफेबल होगा, इनएक्सोरेबल होगा, जिसने कभी कोई गलती न की हो उसे हम क्या बोलते हैं? जिसने कभी कोई गलती न की हो तो वो होता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इनफेलिबल विल बी द करेक्ट आंसर. इनफेलिबल व्यक्ति जो होता है, वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, वो कभी गलती नहीं किया हुआ होता है. सो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है. चलिए फटाफट आंसर देते रहिए. एन एक्सट्रीमली स्मॉल पर्सन, इंसॉल्वेंट, स्टॉकर, ड्वार, लोक्यूसियस, बहुत छोटे आदमी को हम क्या बोलते हैं? अरे बोलते हैं बौना है. क्या है? बौना. तो ड्वार्फ हो जाएगा. क्या? ड्वार्फ विल बी द करेक्ट आंसर. समथिंग टू विच समबडी हैज अ स्पेशल राइट बिकॉज ऑफ देयर सोशल पोजिशन, हैरेंग्यू बोलेंगे, परक्यूजिट कहेंगे, कनंड्रम कहेंगे, प्रेरोगेटिव कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? खूब ध्यान से सुनिए और उसका जवाब दीजिए. तो समथिंग टू विच समबडी हैज़ स्पेशल राइट बिकॉज ऑफ देयर सोशल पोजिशन, इसको कनंड्रम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कनंड्रम कहा जाता है. प्यारे साथियों, इसके पहले मास्टर वीडियो 4.5 घंटे का लगभग रिलीज किया गया, उसको भी आप देखिए, और इस वीडियो में भी बने रहिए. और ये आपके अपने प्रशांत सर का एक तरीके से होल एक्सपीरियंस है कि इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा. बस आप इस मास्टर वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इसको देखिए और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करिए. नेक्स्ट वन, अ हेटर ऑफ वोमेन, मिसोगैमिस्ट होगा, मिसोगाइनिस्ट होगा, फिलेंड्रर होगा, मिसएंथ्रोपी होगा, मतलब महिलाओं से घृणा करने वाला. ये तो क्वेश्चन आता ही आता एग्जाम में, ठीक ना. एक मिनट, एक क्वेश्चन छूट गया क्या बाबू?
27 का हम लोग देख लेते हैं, 27 का एक बार, समथिंग टू विच समबडी हैज स्पेशल राइट बिकॉज ऑफ देयर सोशल पोजिशन। तो कनंड्रम बता दिया हमने, एक बार यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये होगा परक्यूजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा कनंड्रम नहीं होगा, परक्यूजिट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, तो इसको परक्यूजिट विल बी कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वन। लगातार महामैराथन की क्लास दे रहा आपका अपना पीएस क्लासेस, अ हेटर ऑफ वोमेन, सीधे आंसर बताइए, अ हेटर ऑफ वोमेन क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपने कहा सर हेटर ऑफ अगर वोमेन है तो मिसोगायनिस्ट विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। यहां पर बीएन जी का आ रहा है, बहुत सही, गोविंद जी का आ रहा है, राइट राइट। आदित्य विजय जी कहाँ गए भाई, चलिए, टू रन अवे विथ ए लवर इन ऑर्डर टू गेट मैरिड सेक्रेटली, मतलब प्रेमी के साथ भाग जाना, बॉय कॉट अपोस्ट्रोफी एक्जोनीरेट या इलोप नहीं होता है कि प्रेमी के साथ भाग जाना। अब प्रेमी के साथ भाग जाना क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा इलोप, इलोप का मतलब होता है कि प्रेमी के साथ भाग जाना, to run away with a lover in order to get married secretly, कि हम भाग करके चोरी से क्या कर लेंगे, शादी विवाह कर लेंगे। तो ऐसे के लिए एक वर्ड जो हमारा है इलोप होता है, चोरी से प्रेम विवाह करने के लिए भाग जाना, इलोप। नेक्स्ट, मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ एक्यूपेशन और इंटरेस्ट, क्या होगा 30 का आपको जवाब देना है। तो 30 का जो आपका राइट ऑप्शन होता है वो होगा यूनी, इन्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेंटल वियरनेस फ्रॉम लैक ऑफ एक्यूपेशन आर इंटरेस्ट, इन्यू हो जाएगा, विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, अ पर्सन हु इज गिवन टू कर्ज आर अनडिग्निफाइड जोकिंग, बेओ नेट होगा, ई होगा, बैफोन होगा, इंस्टीट्यूट होगा। ध्यान से सुनिए, सुनील गुप्ता जी मोस्ट वेलकम, गोविंद कुमार जी लगातार बने रहिए महा मैराथन में, गुप्ता जी बने रहिए, बीएन यादव जी, सभी प्यारे भाई बहन, जब तक आपको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई, मेहनत तो करना होगा, यूं ही किसी की जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज गिवन टू कर्ज आर अनडिग्निफाइड जोकिंग, 31 का आपको राइट ऑप्शन देना है, तो बैफून होता है, क्या होता है, बैफून होता है, बैफून एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बैफून क्या है, तो बैफून क्या होता है, पर्सन हु इज गिवन टू कर्ज आर अनडिग्निफाइड जोकिंग, ठीक ना, उसको बैफून बोलते हैं। नेक्स्ट, समथिंग वर्दी आप बींग डन, प्रोबेबल होगा, प्रोबेबल होगा, फेजिबल होगा, टी नेबल होगा, एक्सप्लीकेबल होगा, क्या कहा जा सकता है। तो सीधे आपका जो जवाब होता है डियर फ्रेंड्स, वो आपका जवाब हो जाएगा फेजिबल विल बी द करेक्ट आंसर। फेजिबल मीन्स क्या होता है, समथिंग माने कुछ, वर्दी माने योग्य, आप बींग डन कुछ करने योग्य जो होता है उसे फेजिबल कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 32 का बी होगा। चलिए 33 की तरफ चलते हैं, इमोरल बिहेवियर इन्वॉल्विंग सेक्स, अल्कोहल और ड्रग्स, क्या कहेंगे, डिलक कहेंगे, डिबाउचरी कहेंगे, इनुडेशन कहेंगे या गाउचरी कहेंगे। चलिए बी एन यादव जी बताइए, सुनील गुप्ता जी, गोविंद कुमार जी, सभी प्यारे भाई बहन बताते रहिए क्या आंसर होगा 33 का। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 33 का डिबाउचरी होता है, क्या होता है, डिबाउचरी विल बी द करेक्ट आंसर, इमोरल बिहेवियर इन्वॉल्विंग सेक्स एंड अल्कोहल और ड्रग्स, इसको बोलते हैं डिबाउचरी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सतीश कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है, सभी प्यारे भाई बहन फटाफट जो है, देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला। अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, अ मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लीजेंट साउंड, मतलब ऐसा साउंड हो जो प्लेजेंट ना हो,
ठीक ना, अनप्लेजेंट साउंड, तो क्या बोलेंगे, प्रेजम्पशन बोलेंगे, पॉलीफोनी बोलेंगे, कैकोफोनी बोलेंगे, टार्नोडो, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बोलते हैं कैकोफोनी, मतलब ऐसा साउंड जो कानों को प्रिय नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, कैकोफोनी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, कैकोफोनी कहा जाता है, प्लीजेंट साउंड नहीं होता, अनप्लीजेंट साउंड होता है। नेक्स्ट वन, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिससे वापस नहीं लाया जा सकता, आई रेस्पॉन्सिबल, आई रोकेबल, आई रेडीमेबल या इनकैलकुलेबल, क्या कहा जाएगा, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिससे वापस ना बुलाया जा सके वो होता है आयरवोकेबल। ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयरवोकेबल मीन्स क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, ऐसी चीज जिसे वापस ना बुलाया जा सके। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, डिक्लेरेशन ऑफ आंस और प्रोमिस पुट फॉरवर्ड बाय एन कैंडिडेट फॉर इलेक्शन और बाय ए पॉलिटिशियन पार्टी और बाय ए सॉवरेन, व्हाट कैन यू से, वर्बियज या प्रेलोड या मैनिफेस्टो या पोस्टस्क्रिप्ट, क्या कहेंगे। तो इसको बोलते हैं राइट ऑप्शन मैनिफेस्टो विल बी द करेक्ट आंसर, मैनिफेस्टो विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। फटाफट जो है जवाब देने की कोशिश करिए, एक बार समझने की भी कोशिश करिए कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। डिक्लोरेशन ऑफ प्लान्स आर प्रॉमिस पुट फॉरवर्ड बाय अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन आर बाय ए पॉलिटिकल पार्टी और बाय ए सॉवरेन, व्हाट कैन यू से, मैनिफेस्टो विल बी द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, मैनिफेस्टो विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का ग्रेजुअल डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसके लिए शब्द आपको बताने हैं, क्या कहा जा सकता है, डर्ज होगा, सेंसस होगा, इन्वोल्यूशन होगा, बाय बेयोनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है समथिंग्स में तो राइट ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, इवोल्यूशन विल बी द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए प्यारे साथियों, फटाफट जो है यहाँ पर महामैराथन में आपको जवाब देते रहना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये आ रहा आपकी स्क्रीन पर, 38, दैट कैन बी इजली ब्रोकन, जिससे बहुत आसानी से ब्रोकन किया जा सके, फ्रेजिल होगा, स्टाउट होगा, एक्सप्लिसिट होगा, हरकुलियन होगा, ठीक है, लगातार आप देखते रहिए। अब हरकुलियन माने तो कठिन काम होता है, एक्सप्लिसिट माने होता है क्लियर, स्पष्ट होता है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, फ्रेजिल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट कैन नॉट बी इजली ब्रोकन, जिससे आसानी से ब्रोकन नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं, फ्रेजिल कहा जाता है, क्या बोलते हैं, फ्रेजिल कहा जाता है। नेक्स्ट वन, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर ऑफ वन माइंड ऑन दिस इशू, वन माइंड मीन्स आपको बताना है एनोनिमस होगा, अनएनोनिमस होगा, यूनिवर्सल होगा या सिमिलर होगा, ऑल द मेंबर ऑफ द कमेटी वर ऑफ वन माइंड ऑन दिस इशू, किसी चीज पर एक मत हो जाना, 39 का किसकी तरफ जाएंगे, All the members of committee were one mind on this issue. तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, Anonymous will be the correct option. Anonymous will be the correct option. चलिए फटाफट आंसर देखते रहिए और देते रहिए। नेक्स्ट वन, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है PS क्लासेस में। नेक्स्ट वन, द सिस्टम ऑफ स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज, पैंटोमाइम, रिसाइप, वर्बाइज या ऑर्थोग्राफी, 40 का आपको जवाब देना है। द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज, भाषा में जो वर्तनी का एक सिस्टम बनाया गया है, तरीका बनाया गया है, उसे क्या बोलते हैं, पैंटोमाइम कहेंगे, रिसाइप कहेंगे, वर्बाइज कहेंगे या ऑर्थोग्राफी कहेंगे। तो आप यहां पर जवाब दे दीजिएगा, ऑर्थोग्राफी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, टिक ऑफ स्किन बार्क, पील कहेंगे, स्लाउ कहेंगे,
सोलोमन आइलैंड कहेंगे, रिटोर्ट कहेंगे, टेक ऑफ स्कीन और बार्क। तो इसको हम स्लाउ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लाउ विल बी द करेक्ट ऑप्शन, टेक ऑफ स्कीन और बार्क। नेक्स्ट वन, सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन इलेक्टोरेट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, इस समय कमेंट हम देख रहे हैं लेकिन लगातार यहाँ पर हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इसलिए कमेंट को इग्नोर कर रहे हैं। एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन इलेक्टोरेट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, कमांड, मैंडेट, इंटरिम या रिवेल, क्या कहा जा सकता है? तो डियर फ्रेंड, राइट ऑप्शन आप देने की कोशिश करिएगा, मैंडेट। क्या हो जाएगा? मैंडेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एन इलेक्टोरेट टू इट्स रिप्रेजेंटेटिव, मैंडेट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जानदार शानदार तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, ओला ओलीगार्ची होगा, अरिस्टोक्रेसी होगा, प्लूटोक्रेसी होगा, ब्यूरोक्रेसी होगा। 43 का जवाब बताइए। अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, आप कहेंगे ब्यूरोक्रेसी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अक्सर पूछा जाता है ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग, बी यू आर ई ए यू सी आर ए सी वाई विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, लिस्ट शोविंग द ऑर्डर इन विच अ नंबर ऑफ पर्संस हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज, रिसाइप होगा, इन्वेंटरी होगा, रोस्टर होगा, इनवाइस होगा। 44 का जवाब देना आपको। राइट ऑप्शन हमारा होता है रोस्टर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, रोस्टर विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं, फटाफट जवाब देते रहिए। अ पर्सन हु यूजली डॉप्ट दैट नेम्स आर ट्रू, टर्मागेंट होगा, सेप्टिक होगा, मैंडिकेंट होगा, वाइसेक्र होगा, क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, पर्सन हु यूजली डाउट्स दैट क्लेम्स आर ट्रू, तो यहाँ पर सेप्टिक विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ऐसा व्यक्ति हु माने जो, यूजली माने साधारणतया, डाउट माने संदेह करता है, दैट जो क्लेम्स करता है कि आर ट्रू, कि वो क्लेम्स जो है सत्य हैं या नहीं है, उसे बोलते हैं सेप्टिक विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द स्टेट ऑफ बीइंग नेक्ड, न्यूडिटी, सेडिटन, इलेजी या जेना मैंटा। 46 का आंसर आपका होगा न्यूडिटी, न्यूडिटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एन इमोलुमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, एन इमोलुमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, होनोरेरियम, साइनिक्योर, पर्सक्यूसेट, प्रेरोगेटिव, क्या कहा जाएगा? 47 का। तो आपका सही जवाब होगा कि सर इससे हम कहेंगे होनोरेरियम विल बी द करेक्ट आंसर। क्या कहेंगे? होनोरियम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स, कॉपिंग, रिफ्रेमिंग, रिप्रोड्यूसिंग, प्लेगरिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मतलब दूसरे का अगर आप चोरी कर रहे हैं, किसी ने कोई किताब लिखी है, कोई विशेष क्रिएशन किया है, उसका आप चोरी करके लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेगरिज्म विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए डियर फ्रेंड्स फटाफट आंसर देते रहिए। 49 का, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीविंग सम थिंग्स, प्रिजर्वेंस होगा, अटेम्प्ट होगा, एंथुसिज्म होगा, वीगर होगा, लगातार प्रयत्न करना किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? परजवरेंस बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग अक्सर पूछी जाती है, परजवरेंस कहा जाता है, और एनसी लगा है तो इसका मतलब क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। वन हु लव्स बुक, चलिए तो बार बार स्कॉलर होगा, बिब्लियोग्राफर होगा, टीचर होगा, बिब्लियोफिल होगा, तो बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो बिब्लियोफिल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा समय दीजिए, एक मिनट का।
तो चलिए प्यारे साथियों, फटाफट हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, कुछ प्यारी सी चीज़ें हैं। आप सभी का कमेंट थोड़ा देख लें, क्या स्थिति चल रही है आप लोगों की सिचुएशन। कैसा लग रहा सेशन, फटाफट बताने की कोशिश करिए। एवरीथिंग इज ओके डियर, एवरीथिंग इज ओके, टेल मी एवरीथिंग इज ओके। इस महा मैराथन में आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता है आपका अपना पीएस क्लासेस। तो लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहें आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, आप सभी का कमेंट ले लें। एक बार झूम करके आप सभी साथी शेयर करें, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा है सर, बट सुना लग रहा है। क्या सुना लग रहा है? बहुत मेहनत करना है। वन व्हाट्सएप ट्यूशन, एक बार जब तैयार हो जाएगा फटाफट आप सभी आंसर देते जाओगे, ठीक है ना? फटाफट सभी आंसर देते जाओगे। एक बार कमेंट करके बताइए, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके डियर, वॉइस क्लियर। चलिए यहाँ पर वन हु लव्स बुक्स, देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि वह व्यक्ति जो प्रेम करता है किताबों से, उसे क्या बोलेंगे? बिब्लियोफिल बोलेंगे। अब अगर एग्जाम में आता है तो ये गलत तो होगा नहीं। अब चूंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो बहुत चिल्ला करके बोलना उचित नहीं है, ठीक है? इसलिए आराम से कराया जा रहा है, लगातार मैराथन है। आराम से आप सुनते रहिए और ध्यान से इसका आंसर देते रहिए, तैयार करते रहिए। टू परफॉर्म ए रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली अ मैरिज, रिटॉर्ट होगा, ईल होगा, सोलेमनाइज होगा, मीमिक होगा, क्या कहा जा सकता है? डियर फ्रेंड्स आपको बताना है यहाँ पर, ठीक ना? एक मिनट, चलिए। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिए। खूब जूम करके, टू परफॉर्म ए रिलीजियस सेरेमनी स्पेशली अ मैरिज। आप कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं सोलोमनाइज बोलते हैं। ओके, बिल्कुल सही गोविंद कुमार जी, वन का सी विल बी द करेक्ट आंसर होता है, ठीक ना? नेक्स्ट वन, एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, साल्वो कहेंगे, सेक्सटॉन कहेंगे, वाइडक्ट कहेंगे, रोस्टर कहेंगे, मतलब फायरिंग हो। सर मैं चंद्रा कोचिंग वाराणसी से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है, कोई बात नहीं है। सर मैं चंद्रा कोचिंग वाराणसी से हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तो सभी प्यारे भाई बहन हैं। तो फायरिंग ऑफ मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क ओकेजन, इसके लिए राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा हमारा? तो अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर सीधे आप जवाब दीजिएगा, साल्वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्वो। फायरिंग अप मैनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेजन, किसी अवसर पर आप देखते हैं फायरिंग होती है बहुत सारे गनों से, तो उसको क्या बोलते हैं? साल्वो बोलते हैं। नेक्स्ट वन, वन हु हेट्स मैनकाइंड, अरे जो मानव से घृणा करता है, तो ये तो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, मिसएंथ्रोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिसएंथ्रोपी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? देखिए बार बार प्रैक्टिस कराया जा रहा। कास्ट ऑफ स्किन ऑफ ए स्नेक, बोरो होगा, स्लाउ होगा, वाइडक्ट होगा, ब्लाउ होगा। तो आपको फाइव का जवाब देना है, तो आप इसका जवाब दे दीजिए, बी ऑप्शन सही होता है, स्लाउ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कास्ट ऑफ स्किन ऑफ ए स्नेक, ठीक ना? तो स्लाउ इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, टीट फॉर टैट इन वर्ड्स आप जानते ही हैं क्या होता है। टीट फॉर टैट इन वर्ड्स, सिक्स का आंसर देना है, तो साल्वो होगा, रिटॉर्ट होगा, ट्राउसिया होगा, या डियर फ्रेंड्स क्या होगा? वर्वाइज होगा। चलिए सभी लोग फटाफट जवाब देते रहें, कमेंट थोड़ा हम कम ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करानी है। रिटॉर्ट विल बी द करेक्ट आंसर, टीट फॉर टैट इन वर्ड्स को बोलते हैं रिटॉर्ट। ओके चलिए नेक्स्ट वन, टू रिमूव द ऑफेंसिव पोर्शन ऑफ ए बुक, डिसीज होगा, डायग्नोज होगा, एक्सपोर
गेट होगा, एक्सप्योर गेट होगा या जैमेज होगा। क्या कह सकते हैं सेवन का? तो सेवन का आप सी दे दीजिएगा जवाब, एक्सप्योर गेट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, एक्सप्योर गेट विल बी द करेक्ट आंसर। टू रिमूव द फैंसी पोर्शन ऑफ ए बुक को बोलते हैं एक्सप्योर गेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सतीश कुमार जी का बहुत वेलकम है, बी एन यादव जी स्वागत है, गोविंद कुमार जी स्वागत है। चलिए, सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता है। एक बार झूम करके सेशन को शेयर करिए। टू रिमूव द ऑफेंसिव पोर्शन ऑफ ए बुक मतलब किताब में कोई ऑफेंसिव पोर्शन है उसको आप हटा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्योर गेट बोलते हैं, है ना। चलिए, झूम करके आंसर दीजिए। एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, कोर्ट ऑर्डर देता है ना कि आप आइए कोर्ट में, कोर्टशिप होगा, एग्रीमेंट होगा, सबपोनिया होगा, कमांड होगा, क्या होता है? एट का जवाब देना है। चलिए, तो यहाँ पर जवाब आप दे दीजिएगा। देखिए पूछा क्या है, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड कोर्ट, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या? डी का आपका सही हो जाएगा, सबपोना, सबपोना बोलते हैं, सबपोना। एन ऑर्डर ऑफ रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड कोर्ट, सबपोना विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, झूम करके जगराता करते रहिए और झूम करके प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी बार झंडा फहराना है, सिलेक्शन लेना है। जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, जो जागे सो पाए, जो सोए सो खोए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए, झूम करके सिलेबस को, इन ऑर्डर टू अटेंड कोर्ट एज अ विटनेस टू द गिव एविडेंस, रोस्ट्रम, रोस्टर, फैसिमिल, सब फोनिया, क्या कहा जा सकता है? फटाफट जवाब दीजिए। तो आप कह सकते हैं सर नाइन का हमारा डी हो जाएगा। फिर देखिए वही ऑप्शन, सब पोनिया विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सब पोनिया विल बी द करेक्ट आंसर, अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बताइए, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द इंडिविजुअल स्टेट ऑफ अ कंट्री हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन अफेयर्स बट आर कंट्रोल्ड बाई अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल डिसीजन इज, स्पोटिज्म होगा, फेडरलिज्म होगा, सोलिसिज्म होगा, कम्युनिज्म होगा। तो टेन का आपको जवाब देना है, राइट ऑप्शन होगा फेडरलिज्म होगा। क्या होगा? फेडरलिज्म होगा। फिर पूरा सुन लीजिए, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द इंडिविजुअल स्टेट ऑफ अ कंट्री हैव, इंडिविजुअल में तो अफेयर्स वो कर सकता है, बट आर कंट्रोल्ड बाई ए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर नेशनल डिसीजन, उसे क्या बोलते हैं? तो फेडरलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। ओके, सबका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट सुटेबल फॉर ए न्यू यूज ऑफ सिचुएशन, कामेमोरेट बोलेंगे, अडॉप्ट कहेंगे, डिसीफर कहेंगे, एपोस्ट्रोफीज कहा जाएगा। 11 का आपको जवाब देना है, बताइए क्या होगा? 11 का जवाब देना है एक बार। तो आपने कहा सर अगर 11 की हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा क्या, टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ सिचुएशन, जवाब देखिए यहाँ पर आ रहा है, हम जवाब दे देना चाहते हैं। जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमेरिका नहीं होगा बेटा, 11 का बी सही होता है, अडॉप्ट। 11 का क्या हो जाएगा? अडॉप्ट। टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट सुटेबल फॉर न्यू यूज आर सिचुएशन, उसको अडॉप्ट कहेंगे ना, ढलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढलना कहा जाता है। एक नेक्स्ट वन, फियर ऑफ वाटर, क्लाउस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इंसोमैनिया, ऑब्सेशन, क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर आप जवाब दे दीजिएगा, अगर बात करें हाइड्रो मींस पानी होता है तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, फियर ऑफ वाटर अगर है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ सम थिंग्स दैट इज डिफिकल्ट टू रीड आर अंडरस्टैंड, डिसीफर होगा, ऑब्स्क्योर होगा, डिस्क्राइब होगा, डिपिक्ट होगा। 13 का आपको जवाब देना है, 13 का। तो 13 का जो जवाब आपका राइट होता है, डिसीफर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक की तरफ चले जाएगा डिसीफर,
टू सक्सीड इन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मीनिंग फाने में वो क्या होगा, सक्सीड हो गया, दैट इज़ डिफिकल्ट टू रीड और अंडरस्टैंड, जिसको पढ़ना और समझना कठिन था उसको क्या बोलते हैं, डिसीफर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ए फॉर अमेरिका विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अननोन टू मोस्ट अदर पीपल, प्रोगेरिया, एनोनाइमिटी, कॉम्प्लिसिटी, आर्चेजम। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अननोन टू मोस्ट अदर पीपल, पुनः सुन लीजिए, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अननोन मोस्ट अदर पीपल, गोविंद कुमार जी कह रहे हैं सर डी होगा, तो 14 का बाबू देखिए यहाँ पर जो जवाब आ रहा है एनोनिमिटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एनोनिमिटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अननोन टू द मोस्ट अदर पीपल इज नोन एज एनोनिमिटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 15 का क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट वन, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, अरे पैसे लेने के लिए धोखा देना क्या होगा, आर्मिस्टिक होगा, फ्रॉड होगा, एमनेस्टी होगा, क्लेक होगा, तो आपने कहा सर अगर हम बात करें तो फ्रॉड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, फ्रॉड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही होता है। चलिए नेक्स्ट वन, सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, इमेजिनेशन, प्रिजम्पशन, हेलुसिनेशन या सपोजिशन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सीइंग समथिंग विच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, ये राइट ऑप्शन हमारा होता है, अक्सर स्पेलिंग भी पूछी जाती है, हेलुसिनेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सीइंग समथिंग किसी चीज़ को देखना विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, जो वास्तव में प्रेजेंट ना हो, कोई चीज़ वास्तव में प्रेजेंट ना हो और उसको देखना, सीइंग समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट हेलुसिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं, हेलुसिनेशन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, टॉकिंग ए लॉट, बहुत ज़्यादा बोलना, टॉकिंग ए लॉट, इन एफेबल, लोक्यूसियस, बोहेमियन, अपालिंग, 17 का आपको बताना है, बताइए 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, टॉकिंग ए लॉट ऑफ, जो बहुत बोलता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं लोक्यूसियस विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल तैयार करते जाइए, लोक्यूसियस जो होता है ना, टॉकिंग ए लॉट, बहुत बोलता है, तो लोक्यूसियस विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टॉकिंग ए लॉट विल बी द करेक्ट आंसर, दिमाग में सेट करते जाइए। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर विथ ट्रीज, प्रोटोटाइप, लेजर, बॉलीवार्ड, लाइगमेंट, क्या कहा जाएगा, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्स विथ ट्रीज, यहाँ पर बी एन यादव जी का सही आ रहा है आंसर, कि सर सी की तरफ जाएंगे, बॉलीवार्ड विल बी द करेक्ट आंसर, एक ब्रॉड माने चौड़ा, रोड जो है बॉर्डर, बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, पेड़ों के साथ है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉलीवार्ड्स बोलते हैं, सो राइट ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द एंथोलॉजी, एथिक्स, जेनियोलॉजी, एपिस्टोमेलॉजी, 19 का जवाब दीजिए, 19 का क्या होगा, तो जो 19 का हमारा जवाब होगा, द पार्ट ऑफ फिलोसफी दैट इज डील्स विद द नॉलेज, इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर, एपिस्टेमोलॉजी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, जो रस्सियों पर चलता है उसको क्या कहा जाता है, जो रस्सियों पर चलता है उसे क्या कहा जाता है, फ्यूनाम बोलिस्ट बोलेंगे, अफोल्डर, एक्रोबेट कहेंगे, अवीटर कहेंगे,
ठीक है ना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। रोप माने रस्सी होती है ना, तो वन हु वॉक्स, रस्सियों पर जो चलता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन सही होगा फूनाम, बोलिस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फूना बोलिस्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए तैयार हो रहा ना, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज टू योर ओन फैमिली, इट यू आर इन ए पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली बाय द गिविंग देम जॉब, गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन ए पोजिशन ऑफ ए पावर स्पेशली बाय द गिविंग देम जॉब। क्या बोलेंगे? स्पॉयनेस कहेंगे, नेपोटिज्म कहेंगे, ज्यूरिसडिक्शन कहेंगे, डेस्पोटिज्म कहा जाएगा। क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर हम बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ठीक ना, नेपोटिज्म। गिविंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ योर ओन फैमिली इन यू आर इन अ पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली बाय द गिविंग देम जॉब, ठीक ना। मान लीजिए भाई भतीजावाद करके और किसी को नौकरी दे दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं डियर, ठीक ना। हाँ, बी फॉर बीपीएससी, नेपोटिज्म। नेक्स्ट वन, टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग, टू सराउंड अ प्लेस विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग, बी सीज कहेंगे या जेक्स्ट्रापोज कहेंगे या एब्डिकेट कहेंगे या सेवर कहेंगे। 22 का आपको जवाब देना है, ठीक ना। देखिए अक्सर स्पेलिंग भी पूछी जाती है, बीसीज की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जा रही एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। बी ई एस आई ई जी, बीसीज का मतलब क्या होता है? टू सराउंड मीन्स चारों तरफ, प्लेस माने किसी स्थान के चारों तरफ, विद द इंटेंशन ऑफ कैप्चरिंग, इस इंटेंशन में कि हम उसे कैप्चर करेंगे, तो बीसीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बीसीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों ध्यान रखिए, हमेशा मेहनत करने वाला जो है सफल होता है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद आपको लग जाएगा कि अगर हम डेली मेहनत करें तो फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो हम बीट नहीं कर सकते। बस हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, जो कि आपका अपना पीएस क्लासेस करा रहा है। आप सभी जुड़िए, देखिए 6 लोगों की संख्या है, बाकी सो रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बताइए कैसे काम चलेगा। अ डिटेल्ड रिटेन स्टडी ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट यूजली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट बुक्स, मोनोग्राफ होगा, रेटोरिक की स्पेलिंग पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा, RHETORIC, रेटोरिक होगा, मैनुअर होगा, जाउंट होगा। 23 का आपको जवाब देना है। अ डिटेल्ड रिटेन स्टडी ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट बुक्स, पुनः सुनिए, एक विस्तृत लिखी हुई, रिटेन माने क्या, लिखी हुई, स्टडी माने अध्ययन करना, आप माने का, अ सिंगल सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट का अध्ययन करना, विस्तृत में जो लिखा गया है, यूजली माने प्राय, इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट बुक, छोटे किताब के रूप में लिखा गया है, उसे क्या बोलेंगे? 23 का ऑप्शन आपका होगा, अब तो समझ में आ गया ना, 60 में मोनोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मोनो माने एक और ग्राफ माने लिखा हुआ। अ डिटेल्ड रिटेन स्टडी ऑफ ए सिंगल सब्जेक्ट यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए शॉर्ट बुक्स, क्या कहेंगे? मोनोग्राफ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फटाफट देखते रहिए। अ प्लेस वेयर एक्सरसाइजेज आर परफॉर्म फॉर द फिजिकल फिटनेस, थिएटर होगा, कोर्ट होगा, जिमनेजियम होगा, अल्टर होगा, ये तो सभी ऑप्शन दे देंगे इसका सही। अरे भाई व्यायामशाला होता है ना, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? जिमनेजियम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 24 का जिमनेजियम हो जाएगा। चलिए 24 से आगे बढ़ते हैं, 25 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर, अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, ओड, एपिक, सोनेट, एलेजी। 25 का जवाब दीजिए। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, आप इसे एलेजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलेजी, शोक गीत कहा जाता है।
क्या कहते हैं, शोक गीत कहा जाता है भैया। पोएम रिटन इन द डेथ, किसी की मृत्यु पर लिखा गया तो शोकी गीत होगा ना। नेक्स्ट वन पूछा जा रहा, अगर गलत हुआ तो समझिए कि एग्जाम से बाहर। देखते हैं कौन सही बता रहा। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस, हाइटेरिया अमानसिया सुपर रेनुअसेशन कन्वलसेंस, क्या होगा? धीरे धीरे बीमारी से ठीक होना डियर, क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है गोविंद कुमार जी का, कन्वलसेंट मिस होता है। ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस विल बी द करेक्ट आंसर, विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आराम से, बहुत ज़्यादा अभी हमें प्रैक्टिस करना है। मिलिट्री वॉकिंग सिग्नल साउंडेड इज इन द मॉर्निंग, जो मिलिट्री होती है वो वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग जो देती है उसे क्या बोलते हैं? रिवेल कहेंगे, जुलेबी कहेंगे, एंथेम कहेंगे, सॉप्रानो कहेंगे। देखिए वर्ड सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने कहा सर अगर इसकी हम बात करें तो राइट ऑप्शन ए ही हो जाता है। रिविल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिविल, मिलिट्री वेकिंग सिग्नल साउंडेड इन द मॉर्निंग, रिविल बोलते हैं। सो ऑप्शन ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अ कंट्री आर सोशल सिस्टम वेयर पीपल गेट पावर आर मस्ट द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, प्लूटोक्रेसी, जुडिशियरी, सोशलिज्म, मेरिटोक्रेसी। 28 का जवाब देना है। सिस्टम वेयर पीपल गेट पावर, जहां पर लोगों को पावर मिलता है, मनी मिलता ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, उनकी योग्यता पर मिलता हो, तो क्या कहा जा सकता है? हैं, क्या कहा जा सकता है? तो आप कहेंगे मेरिटोक्रेसी। देखिए मेरिट पे मिला है ना, तो मेरिटोक्रेसी विल बी द करेक्ट आंसर। मेरिटोक्रेसी होता है कि अ कंट्री और सोशल सिस्टम वेयर पीपल गेट पावर और मनी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक ना, इसको मेरिटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट वन, अ मोमेंट परफॉर्म्ड विथ केयर एंड स्किल, सब फोना, अनारक्रोनिज्म, फैक्सिमिल, मेनोवर। चलिए 29 का जवाब देना है। यहाँ पर बी एन यादव जी कह रहा है कि डी फॉर दिल्ली होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अ मोमेंट परफॉर्म्ड विथ केयर एंड स्किल, उसको बोलते हैं मोनावर। क्या कहते हैं? एम ए एन ओ यू वी ई आर, मोनावर विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अ मोमेंट परफॉर्म विद केयर एंड स्किल को मोनावर बोलते हैं। डी फॉर डेनमार्क विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट, A number of head applauders is that person paid to clap, jury, clock, mummy, dietaries। 30 का आपको जवाब देना है, ठीक ना। आपने क्या किया कि अपनी प्रशंसा कराने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, ठीक ना, और persons paid clap ताकि लोग तालियां बजाएं, तो क्या कहा जा सकता है? आप कह सकते हैं सर इसके लिए तो हम जाएंगे सतीश कुमार जी बी फॉर बीपीएससी। बिल्कुल सही है, क्लेक बोलते हैं, क्लैक है ना, तो क्लेक बोलेंगे यहाँ पर, सी एल ए क्यू ई। अ नंबर ऑफ हेड अपलाउडर्स इज दैट पर्सन पेड टू क्लैप इज नोन एज, क्लेक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो सोने में क्या करता है? चलता है। ऐसा व्यक्ति जो सोने में क्या करता है? चलता है। उसके लिए आपको एक वर्ड बताना है, तो आप वर्ड क्या बताएंगे? 31 का, सोमना बुलिस्ट होता है, ठीक ना, क्या होता है? सोमना बुलिस्ट जो होता है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वो सोया सोया रहेगा और सोने में ही क्या करेगा? चलने लगता है, उठा और अपना क्या करने लगा? चलने लगा। वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो सोने में ही चलने लगता है उसको सोमना बुलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोमना बुलिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, प्यारा क्वेश्चन है, पैट्रियाट, नेशनलिस्ट, कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन, क्या कहेंगे? बी एन यादव जी, देखिए अब प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो चीज़ें भी क्लियर हो रही है। कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है,
32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को से प्रेम करता, अपना मानता है, अ पर्सन हु रिगार्ड द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, तो कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है ना। चलिए, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, हिस्ट्री होगा, एंथ्रोपोलॉजी होगा, एंथोलॉजी होगा, आर्कियोलॉजी होगा, क्या होगा जवाब दीजिए 33 का। तो यहाँ पर आपको जो जवाब होगा, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बताइए 34। वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, जो क्वाइंस कलेक्ट करता है उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? मेटियोरोलॉजिस्ट बोलेंगे, मेटालर्जिस्ट बोलेंगे, अल्केमिस्ट कहेंगे या न्यूमिनिस्ट मैटिस कहेंगे? बिल्कुल बी एन यादव जी का सही जवाब आ रहा है, सतीश जी का सही जवाब है, गोविंद जी का है। चलिए बाबू, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होता है ना, वो हो जाता है हमारा डी फॉर डेनमार्क विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वन हु कलेक्ट्स क्वाइन, ऐसा व्यक्ति जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है उसे न्यूमिसमैटिस्ट बोलते हैं, उसे न्यूमिसमैटिस्ट बोलते हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट वन, अ गेट एट द एंट्रेंस टू अ पब्लिक बिल्डिंग दैट टर्न्स इन अ सर्किल वेन पोस्ट अलाउिंग वन पर्सन टू गो थ्रू एट अ टाइम, नहीं होता है कि एक बार में एक ही व्यक्ति जा पाएगा। एक बार में अ गेट एट द एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार हो टू पब्लिक बिल्डिंग, जो पब्लिक बिल्डिंग हो, दैट टर्न्स इन अ सर्किल, जहाँ पर एक सर्किल ट्रांस किया गया हो, वेन पोस्ट अलाउिंग वन पर्सन टू गो थ्रू एट अ टाइम, जहाँ पर एक बार में केवल एक ही लोग जाए, उसे क्या बोलेंगे? टर्न स्टील या हैरिकेन या पिकाडिलो या स्पारडिल, क्या कहा जाएगा? 35 का आपको जवाब देना है। सतीश कुमार जी का बिल्कुल सही ऑप्शन हो रहा है कि सर ऐसे स्थान को हम कहते हैं ए फॉर एपल टर्न स्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्न स्टील कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप जाते होंगे गेट में एंट्री करने के लिए तो एक बार में एक ही लोग जा पाते हैं, उसको टर्न स्टील बोला जाता है। सो ए फॉर एपल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, दैट हैपन्स एवरी 4 ईयर्स, 4 वर्ष पे जो होने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? 36 का आपको बताना है। क्वाड्रेनियल कहेंगे, कॉन्ट्राजियस कहेंगे, अब्सोल्यूट कहेंगे, होनरी कहेंगे, क्या कहा जा सकता है? दैट हैपन्स एवरी 4 ईयर्स, प्रत्येक 4 वर्ष पे होने वाला। तो 36 का फिर एक बार सही जवाब आ रहा है भाई बहनों का कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेनियल। 4 वर्ष पे क्या होता है? क्वाड्रेनियल होता है। 4 वर्ष पे क्या होता है? क्वाड्रेनियल होता है। तो 36 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, झूम करके आंसर देते रहिए, निद्रा को त्यागते रहिए। 37 बताइए, अ माउंटेन विच अ लार्ज ओपनिंग एट द टॉप थ्रो विच गैसेज एंड लावा आर फोर्स्ड आउट इन टू द एयर, एडिफिक बोलेंगे, वोल्कानो कहेंगे, स्पारडिल कहेंगे या पैलेस कहेंगे? 37 को आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाल्कनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाल्कनो विल बी द करेक्ट आंसर। क्या पूछा गया था? अ माउंटेन विथ अ लार्ज ओपनिंग एट द टॉप थ्रो विच गैसेज एंड लावा आर फोर्स्ड आउट इन टू द एयर, वाल्कनो बोलते हैं। 37 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वाल्कनो विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 38 की तरफ चलते हैं, फटाफट 38 की तरफ चलते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, और ये मास्टर वीडियो बन रहा है। द यूज ऑफ मनी, ध्यान दीजिए, द यूज ऑफ मनी वर्ड, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी, सरकम लोक्यूजन, सरकम इंस्पेक्शन, सरकम स्क्रिप्शन या सरकम वेंशन। 38 का जवाब दीजिए। The use of many words where only a few are necessary, बहुत सारे words का use करें और केवल कुछ ही important हो।
तो उसके लिए 38 का जवाब आपका हो जाएगा सरकम लोक्यूजन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए सरकम लोक्यूजम विल बी द करेक्ट आंसर। फटाफट इससे बाहर एक भी क्वेश्चन वाला है, बस वीडियो को आपको बार बार देखना है, रिवीजन अटेंड करना है जितना हम रिवीजन करा रहे हैं। स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट आर सिंसर, हैरेंग्यू बोलेंगे, रेटोरिक कहेंगे, मार्क कहेंगे, प्रिलूड कहेंगे। स्पीच और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट आर सिंसर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेटोरिक, इसे हम क्या बोलते हैं, रेटोरिक बोलते हैं। स्पीच आप देते हैं, कोई भाषण देते हैं या राइटिंग करते हैं, कुछ लेखन करते हैं, दैट इज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, जिससे पीपल लोग प्रभावित हों, बट दैट इज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट और सिंसर, लेकिन वो जो ऑनेस्ट नहीं होती है, सिंसर नहीं होती है पूर्ण रूप से, उसे रेटोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटोरिक विल बी द करेक्ट आंसर। अ पर्सन हु राइट्स ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स, ड्वार्फ कहेंगे, ड्राफ्ट्समैन कहेंगे, क्राइप्ट कहेंगे या जैकुलर कहेंगे, तो 40 का जवाब आप दे सकते हैं। ये पर्सन हु राइट्स ऑफिशियल और लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या कहा जाएगा, तो 40 का आपका सही जवाब होता है बी फॉर बॉय, ड्राफ्ट्समैन विल बी द करेक्ट आंसर, ड्राफ्ट्समैन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए गलतियां होंगी, तैयार होता चला जाएगा। 41, अ ग्रेट परफॉर्मर स्पेशली अ म्यूजिशियन माइस्ट्रो इनफरवेरेंसेंट जाउंड ड्राफ्ट्समैन, अ ग्रेट परफॉर्मर स्पेशली अ म्यूजिशियन, 41 का आपको जवाब देना है, 41 का आपको जवाब देना है, अ ग्रेट परफॉर्मर स्पेशली अ म्यूजिशियन क्या कहा जा सकता है, माइस्ट्रो बोलते हैं, जो आप देखते हैं ना माइस्ट्रो कार्ड होता है वही है, माइस्ट्रो मीन्स होता है अ ग्रेट परफॉर्मर स्पेशली अ म्यूजिशियन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए डियर फ्रेंड्स, झूम करके 1001 और सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आप सभी जुड़े रहिए। 42 देखते हैं, अ प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन, प्लेटफॉर्म होगा, डाइस होगा, स्टेक होगा या फोरम होगा। 42 का राइट आंसर होगा फोरम, अ प्लेस ऑफ गैदरिंग फॉर पब्लिक डिस्कशन, अ प्लेस माने का स्थान, ऑफ गैदरिंग माने इकट्ठा होने का, फॉर माने पब्लिक के लिए और डिस्कशन करने के लिए, तो 42 का क्या हो जाएगा, डी फोरम होता है, क्या होता है, फोरम होता है, विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। नेक्स्ट वन बात करते हैं, 43, अ राइट आर एडवांटेज बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस और सोशल पोजिशन, पेटेंट कहेंगे, परक्यूसिट कहेंगे, प्रेरोगेटिव कहेंगे या प्रीरेक्यूसिट बोलेंगे, बहुत ध्यान से देखिए इसको, राइट आर एडवांटेज बिलोंगिंग टू ए पार्टिकुलर पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस और सोशल पोजिशन, 43 का क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन होता है, प्रीरोगेटिव विल बी द करेक्ट ऑप्शन, प्रीरोगेटिव विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वन, दैट इज मस्ट डू इंडिस्पेंसेबल सोलिलोक्वी पॉलीगॉन सिनेक्योर, 44 का आपको जवाब देना है, क्या राइट आंसर हो सकता है, दैट इज मस्ट टू डू, राइट ऑप्शन हमारा होगा इनडिस्पेंसेबल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इनडिस्पेंसेबल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ई फॉर अमेरिका, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 44 के बाद चलते हैं 45 की तरफ, जागे रहो बच्चों, लगातार मेहनत करते रहो, है सबकी यही पुकार की बार, एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा सब हम पढ़े हुए हैं। अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव इन अ सर्कल, टर्नाडो होगा,
हरिकेन होगा, कैटा क्लाइसम होगा या फ्लक्स होगा, क्या कहा जा सकता है? 45 का जवाब दीजिए। 45 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है गोविंद कुमार जी का कि टार्नोडो बोलेंगे। टार्नोडो जो होता है ना, अ वायलेंट स्टॉर्म विथ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच मूव इन अ सर्कल, इसको टार्नोडो बोलते हैं। ओके नेक्स्ट वन, चलिए गाइस टेल मी, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग ए स्मॉल कॉन्फिडेंस प्लेस, हाइड्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, पैरा फर्नालिया या प्रोजेरिया। तो 46 का अगर आंसर हम लेने की कोशिश करें तो एन एक्सट्रीम माने अत्यधिक फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्फिडेंस प्लेस को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफिया, क्या बोलेंगे? क्लॉस्ट्रोफोबिया बोला जाता, फोबिया की बीमारी होती है ना, शंका की बीमारी होती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक ना, भय आ जाता है और उस चीज़ को देख करके व्यक्ति भयभीत हो जाता है, कोई अंधेरे से भयभीत हो जाता है, तो कोई पानी देखकर भयभीत होता है, तो ये एक प्रकार का फोबिया होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो लगा तो पानी से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होता है? क्लॉस्ट्रोफोबिया जो होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ओके नेक्स्ट वन, 47, अ कमेंसमेंट ऑफ वर्ड स्मॉल लेटर राइम एलिटरेशन पन ऑक्सीमोरॉन, क्या कहेंगे? 47 का जवाब देना आपको, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर राइम कहेंगे। देखिए जब सेम लेटर बार बार आता है ना तो उसको एलिटरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बी फॉर बॉय एलिटरेशन बोलते हैं, ठीक ना, तो बी फॉर बॉय विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एलिटरेशन फिगर आप इस बीच होती है ना, ठीक है ना, जैसे चाचा चाचा आ रहा है तो इंग्लिश में अगर लेटर आ रहा तो ए आएगा, फिर दोबारे में भी आएगा, तिवारे में भी आएगा, तो उसको एलिटरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट वन, वामेन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स टू एनी वन हु विल पे फॉर दिस, वंस अगेन, वामेन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स टू एनी वन हु विल पे फॉर दिस, ओलुप्चुअरी होगा, कुक कोल्ड होगा, प्रोस्टिट्यूट होगा या कंकुबाइन होगा, ठीक है। तो 48 का आपको जवाब देना है, ठीक ना, 48 का आपको जवाब देना है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी आर ए रिवर फ्रॉम फ्लोडिंग एन एरिया, ठीक है ना, डैम कहेंगे, माउंट कहेंगे, डाइक कहेंगे, इम्बैंकमेंट कहेंगे, क्या कहा जाएगा? तो 49 का जो आंसर होगा आप बोलेंगे डैंक, क्या कहेंगे? डैक। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी आर द रिवर फ्रॉम द फ्लोडिंग एन एरिया होता है ना, इसको क्या बोलेंगे? डैम बोलेंगे, डाइक बोलते हैं यहाँ पर। 49 का आपका सी हो जाएगा डाइक। और बात करें 50 के बारे में, arrange in the order in which they happened, arrange in the order in which they happened, appalling होगा, stupendous होगा, chronological होगा या conjunctural होगा, क्या कहा जा सकता है? फटाफट बताने की कोशिश करिए, 50 का क्या होगा? गोविंद कुमार जी का सही आंसर आ रहा कि क्रोनोलॉजिकल विल बी द करेक्ट आंसर, अरेंज इन ऑर्डर इन विच दे हैपेंड, तो क्रोनोलॉजिकल होता है ना, जैसे वन बाय वन चीज़ें घटित हो रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। आई होप दैट कि अब इसी पर हम रोक देते हैं, शेष जो है 1000 का ये महामैराथन चल रहा है, कल फिर टाइमिंग सेट रहेगी, आप विजिट करते रहिएगा, फिर जो है हम कल मुलाकात करेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में जहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात होगी, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही जाएगा, तो बार बार रिविजिट करिए और प्यार से इसको झूम करके शेयर करिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी कल। थैंक यू सो मच।